Powerful people comes from powerful places. <laughs> Here is a man who comes from that powerful place. powerful people comes from powerful places here is a man who comes from that powerful place Powerful people come from powerful places. <laughs> Here is a man who comes from that powerful place. powerful people comes from powerful places here is a man who comes from that powerful place Powerful people comes from powerful places. <laughs> Here is a man who comes from that powerful place. Hello everyone. Welcome to Gate Academy. Good evening, all of you. So, hum आज एल यू डी कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे आई होप कि उसका आइडिया आपको हो सकता ना हो बट गेट में पूछा गया है कब कब पूछा गया वो भी बताऊंगा मैं अभी तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस पे हम हम चल ही रहता हमारा जस्ट खत्म हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस फिर इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में हम जस्ट हम मूव करेंगे फिर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ठीक है तो मैं पहले भी बोला हूँ कि आप अपने प्रॉपर अपनी स्टडी करते रहिए मैथ्स मेरे टाइमिंग को फॉलो करते रहिए प्रॉपर मैथ्स के नोट्स बनाते जाइए और अभी आप इस समय में सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ रहे होंगे अपना एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस करिए दूसरे सब्जेक्ट पे और मेरे मैथ्स के साथ चलते रहिए अगर आप मेरे को मैथ्स और सिग्नल के लिए फॉलो कर रहे हो तो मैथ्स और सिग्नल के साथ साथ एक थर्ड सब्जेक्ट चालू कर लीजिए जिसको मैक्समम समय पढ़िए जब मैं सिग्नल पढ़ाता हूँ तब सिग्नल पढ़िए जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तब मैथ्स पढ़िए लेकिन फिर जो भी टाइम पर मेरी क्लासेस नहीं है उस समय अपना वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस तरीके से अपने को स्टडी करते जाना है जैसे कि आपका जो भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट चल रहा होगा वो भी खत्म होते जाए ठीक है चलो अब हम बात करते हैं कि ये लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था आपको बोला भी था कि कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आप बताए कि नहीं पता है लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको दिया था मैं बोला था कि इन द फॉलोइंग सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बड़े ध्यान से हमको रीड करना चाहिए कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जैसे दिया था हमको पता है कि ठीक है भाई ए एकवल टू जीरो इज एनफाइनाइट सोल्यूशन तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ठीक है सिग्निफिकेंट सॉल्यूशन और जब हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन की बात करते हैं दैट मीज द इनफाइनाइट सोल्यूशन दैट मीज द सिग्निफिकेंट सोल्यूशन इज द इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन एक्चुअली तो जब हम ए एक इक्वल टू जीरो की बात करते हैं तो बड़ी सिंपल बातें होती है और ये बहुत एग्जाम का पार्ट बनता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोलूशन और हमको पता है कि यहाँ पे आपके पास यूनिक सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल ही बनते होमोजियस इक्वेशन से और जब नॉन ट्रिवियल जब बोल दिया गया इसका मतलब है कि जो ए मैट्रिक्स होगा वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ए मैट्रिक्स जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू जीरो तो जैसे ही हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में जाते हैं तो हमको क्लियर है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में जब हम जाते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो बिकॉज ए जो होना चाहिए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए नहीं ए सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए नॉन इन्वर्टिबल रहना चाहिए ए को इन्वर्टिबल तो होगा नहीं क्योंकि इन्वर्ट पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो ठीक है जब हम ए के बारे में बात करते तो हमको पता है ए एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स वाई जेड आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ था ये हमारे पास है अगर मैं इसको बोल दूं कि देखो आपके पास इक्वेशंस अगर मैं लिख दूं कि क्या है हमारे पास तो आपको दिख जाएगा कि ये जो इक्वेशंस है ये P है ये Q है ये R है ये Q है ये R है ये P है फिर ये दिखेगा आपके पास R है ये P है और ये Q। है और ये एक्स वाई जेड इज द एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो जीरो बोलने का मतलब होता है वो भी एक मैट्रिक्स है द नल मैट्रिक्स थ्री क्रॉस वन तो जैसे मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये आ गया दिस वन और जब मैं बोलता हूँ कि ये एक्स इक्वल टू जीरो लिखा गया जब मैं बोलता हूँ कि तो ए एक्स इक्वल टू जीरो लिखा गया ए एक्स इक्वल टू जीरो तो आपका ए मैट्रिक्स ये दिस इज द ए मैट्रिक्स तो जब मैं इसके डिटर्मिनेंट पर फोकस करता हूँ कि यार ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो फिर आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बड़ा अच्छा आइडिया है जी पी क्यू आर है क्यू आर पी है और आर पी क्यू है जी और आपको कंडीशन में बोला था आपके पास कि क्या हो सकता है अच्छा ऐसे नंबर जब हम देखते हैं तो हमको ये तो पता ही है क्या पता है कि सर थॉट तो एक आता ही है कि सर सभी रो को ऐड कर दूं अगर आर वन में आर वन प्लस आर टू या फिर मैं कॉलम भी ऐड कर सकता हूं तो डिपेंड्स अगर मैं बोलूं कि पहले कॉलम में दोनों कॉलम का ऐड कर दूं तो पी प्लस क्यू प्लस आर होगा या रोस में थर्ड रो में सबको ऐड कर दूँ तो मेरी च्वाइस है कि मेरे को दो रो को तीनों रो को ऐड करके एक रो के साथ ले जाना है या किसी कॉलम को भी लेके जाना है अगर मैं सी टू सी थ्री को सीवन के साथ ऐड कर दूँ तो ये पी प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा पहले कॉलम में ये Q हो जाएगा ये R हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि सबको यही ऑपरेशन अप्लाई करना है मतलब थोड़ा भी अगर आप सोचोगे तो आपको दिख जाएगा कि सर फर्स्ट सर कॉलम में सर हम सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं ये एलिमेंट्री ऑपरेशन तो हमको गया कि यहाँ से रिजल्ट पी प्लस क्यू प्लस आर बाहर आ जाएगा तो ये आपके लिए आसान हो गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये क्यू है ये आर है ये पी है ये आर पी क्यू है तो क्लियर है कि पी प्लस क्यू प्लस आर अगर आपके पास जीरो है तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर के लिए क्वेश्चन था तो क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से एंड हो गया कि पी प्लस क्यू प्लस जो आर दिया आपके पास ये हमको दिख रहा है बाकी ऑप्शन इतने अच्छे से बने नहीं थे और भी बना सकते थे लेकिन एक ऑप्शन गया एक, एक अलग बात है कि हम किसी भी तरीके से कर सकते थे तो मैं क्या किया ऑपरेशन में मैं बोला मैं ऐसा किया कि सी में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर दी ये हो गया इवन मैं किसी भी रूम में भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था एक ये बात हो गई दूसरी बात ये हो गई कि अगर मेरे पास पी क्यू आर एक साइक साइकिल ऑर्डर में पूरे नंबर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो साइकिल ऑर्डर में नंबर है, मतलब है आपके पास मतलब पी क्यू आर फिर स्टार्ट हुआ क्यू आर फिर पी फिर स्टार्ट हुआ आर पी और क्यू ऐसे आपके पास यस सर पी क्यू आर क्यू आर पी और आर पी क्यू ये साइकिलिक ऑर्डर में अगर आप इनको ध्यान से देखें कि सर इसका सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए तो अगर मैं बोल दूं कि देखो अगर मैं P को Q लिख दो R लिख दो R को P लिख दू अगर मैं सोचूं कि R1 और R2 अगर सेम हो आइडेंटिकल रोस हो अगर हो आपके पास तो क्या होना चाहिए सर होना ये चाहिए सर कि P इक्वल टू क्यू हो जाएगा P इक्वल टू क्यू हो जाएगा Q इक्वल टू आर हो जाएगा और R इक्वल टू पी हो जाएगा जैसे आप R इक्वल टू पी बोलते हो R इक्वल टू पी बोलते हो और R इक्वल टू क्यू है R इक्वल टू क्यू है तो देखो P इक्वल टू क्यू दिखी रहा है आपके पास कोई इशू नहीं है आर वन टू जीरो हो जाएगा अगर मैं बोल दूँ कि पी इक्वल टू आर है ये पी इक्वल टू आर दिख रहा है आपके पास क्यू इक्वल टू पी दिख रहा है आपको क्यू इक्वल टू पी पी इक्वल टू आर है और आर इक्वल टू क्यू इसका मतलब है कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर अगर ये तीनों वैल्यू सेम है आपके पास तब तो ये जो रिजल्ट है पी क्यू आर अगर आपके पास सब कुछ सेम है अगर पी क्यू आर सबकी वैल्यू सेम है तो एक्स एक्स हो गया ये भी एक्स एक्स हो गया अगर तीनों ही सेम है तो पता एक्स एक्स हो गया इसका आ, डिटर्मिनेंट कितना मतलब इसका अगर मैं रैंक की बात करूँ रैंक तो नहीं पूछा लेकिन फिर भी रैंक की अगर मैं बात करूँ तो रैंक इज वन जब पूरे एलिमेंट सेम होते हैं तो रैंक इज होता है नल मैट्रिक्स तो मतलब रैंक जीरो तो हो नहीं सकता तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो अगर सब वैल्यू सेम है सब ऑल वैल्यूज आर एक्स तो पी क्यू इक्वल टू पी इक्वल टू एक्स क्यू इक्वल टू एक्स आर इक्वल टू एस दै मस ऑल वैल्यूज आर सेम तो भी डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आएगा बहुत अच्छे से फ्रेम था आपके पास ऑप्शन हमारा आंसर आ गया अलग बात है लेकिन ये हमको दिख रहा है कि पी इक्वल टू क्यू इक्ल टू आ करोगे तो भी आंसर आ जाएगा तो क्वेश्चन बस इतना था कि ए के डिटर्मिनेंट होने की कंडीशन क्या है कि ए का डिटर्मिनेंट कैसे जीरो हो उसी की कंडीशन थी बस कि ए का डिटर्मिनेंट कैसे जीरोक्वल टू क्यूक् टू आर आराम से हम देख सकते थे एक बार आप डिटर्मिनेट जब जब आप डिटर्मिनेंट का स्टाइल लिख लेते तो दिख जाता आपके पास किसी भी रो किसी भी कॉलम में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सर और पी इक्वल टू क्यूक् टू आर आपको दिख रहा था तो बहुत ईजिल आप देख सकते थे और हम पहले भी पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेट में इफ ऑल एलिमेंट्स आर सेम दैट डिटर्मिनेंट विल बी जीरो मैट्रिक्स होता ही ठीक है रैंक वाइज अलग बात है कि रैंक इसका वन ही होता है हमेशा ओके okay. अब देखो गेट टू थाउजेंड फोर्टीन आइटी खड़गपुर का आपके पास क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है टू मतलब दो सौ उन्नीस टू हंड्रेड नाइनटीन क्वेश्चन नंबर चल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये आपके इस इक्वेशन है और बोला है कि द नंबर ऑफ सोल्यूशन बड़े ध्यान से सुनना है देखना है समझना है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम इज अब मेरे को दिख रहा है कि सर कितने वेरेबल है सर फोर uh, इक्वेश कितनी है चार वन टू एंड ये। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? है अगर आप में से अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो अभी तक तो आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी थ्री है. है मैं हमेशा बोलता हूं आपके पास एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ इक्वेशंस इज ग्रेटर ऑफ अननोन नंबर ऑफ अननोन या वेरिएबल नंबर ऑफ अननोन जब ये होता है तो क्या मतलब होता है इसका सर तो इसका कुछ मतलब नहीं होता बड़ी सिंपल बात होती है क्या सिंपल बात होती है सर देर आर थ्री पॉसिबिलिटी सर यूनिक सोल्यूशंस हो सकते हैं सर इन्फानेट सोल्यूशन हो सकते हैं और नो सोल्यूशन हो सकते हाँ और पता सबसे इंटरेस्टिंग बात ऑफ इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू में भी यही होता है अच्छा ओके ये अब अगर मैं ध्यान से अगर मैं बोलूं कि अगर मैं एग्जाम दे रहा हूं थोड़ा सा स्मार्ट बंदा हूं तो अगर मेरे को ये सब बातें पता है तो मेरे को पता है कि यार ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है ना? ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है और देर आर थ्री पॉसिबिलिटी यूनिक मतलब वन होता है इन्फानाइट तो इन्फानाइट तो आप एन में तो इन्फानाइट पुट नहीं कर सकते नॉट पॉसिबल ना नॉट पॉसिबल इन्फानाइट एन में पुट करने का ऑप्शन नहीं होता है अब नो no सॉल्यूशन अगर आप बोल रहे हो तो उसको कैसे पुट कर दोगे एन में तो ये भी नॉट पॉसिबल एन भी मतलब नॉट पॉसिबल तो यूनिक सॉल्यूशन ही सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पुट किया जा सकता है यूनिक सॉल्यूशन मतलब कितना होता है सर वन सॉल्यूशन बिल्कुल ये पॉसिबल है बिल्कुल एनपी मतलब नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल तीन पॉसिबिलिटी है जिसमें से दो पॉसिबिलिटी आप पुट नहीं कर सकते मतलब ये क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी मैं बोल सकता हूं कि मैं वन पुट करके आऊंगा एग्जाम में और सर गलत हो गया तो गलत हो गया तो फिर पूरे इंडिया को फ्री में मार्क्स मिलेंगे क्योंकि बाकी दो तो हो ही नहीं सकते ना तो फिर तो उनकी गलती है हम चेक भी नहीं किए क्वेश्चन को अगर ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हुआ सर तो, तो, तो उनकी गलती है पूरे इंडिया को फ्री में नंबर मिल जाएंगे हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें ये क्लियर है ना चाहिए बट न्यूमेरिकल आंसर टाइप अगर है तो यार सिर्फ यूनिक सोल्यूशन को ही सिर्फ पुट कर सकते हो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा था नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे ये अब हमको पता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा है इसका मतलब डिटर्मिनंट की हेल्प नहीं ले सकता बिकॉज नंबर ऑफ इक्वेशन जब ज्यादा है तो मैं डिटर्मिनेंट की कैसे हेल्प ले लूँ अगर सपोज करो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं होता और ऑप्शन होते है आपके पास ऐसा होता कि भैया वन सोलूशन या यूनिक सोल्यूशन ऐसा लिखा होता बी होता आपके पास इन्फाइन सोल्यूशन सी होता आपके पास नो सोल्यूशन ऐसा अगर के ऑप्शन लिखे होते तब तो फिर मेरे को सॉल्व करना पड़ता क्योंकि सब पॉसिबिलिटी है तब मेरे को सॉल्व करना पड़ता ये हमको क्लियर है ये हमको क्लियर होना चाहिए और सर आप तो बोलते सर डिटर्मिनेंट सॉल्व करके तुरंत बता देंगे यूनिक है कि नहीं हाँ ये तो मैं बोला था डिटर्मनेट जीरो होगा तो सर नो और इन्फाइन दोनों पॉसिबल है और डिटर्मनेट नॉट इक्वल टू जीरो है तो सर फिर तो यूनिक सॉल्यूशन होगा बट इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन नंबर ऑफ इक्वेशन अगर ज़्यादा है तो मैं डिटर्मनेंट की हेल्प नहीं ले सकता तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है एक ही तरीका क्या बसता है आपके पास कि ऑगमेंटेड ऑगमेंटेड जो मैट्रिक्स होता है हम उसको ले लेते हैं हमेशा कि सर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अगर मैं ले लूँ तो क्या होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ले ले तो सर एक्स है सर तो थ्री और टू और जेड की वैल्यू जीरो सर दूसरे में क्या होगा फोर एक्स कितना वाई सेवन जीरो वाई और सेवन जेड यस सर थर्ड में क्या होगा एक्स प्लस वाई जेड सर एक्स तो प्लस वाई तो वन 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 और फोर्थ में आपके पास कितना होगा वन माइनस टू और सेवन तो ये देखने में इसलिए ऐसा लगता है आपके पास कि देखो ऑगोमेंटेड मैट्रिक्स है फोर्थ तो आपके सिक्वेशन से ही हो गया और वन वन थ्री जीरो ये अगर ऐसा होता तो फिर मेरे को पूरा सॉल्व करके चेक करना होता ऐसा होता तो मुझे सॉल्व कर सॉल्व करके चेक करना होता फिर मैं क्या करता आपको पता है कि फिर मैं बोलता कि यार आप ना इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके कर लो आपके पास क्या कर लो ये ए भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए और ये भी तो अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो मैं वन 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 को रखना पसंद करूंगा और उसके साथ थ्री को रखना पसंद करूंगा फिर फोर जीरो सेवन को तो मैं कुछ किया नहीं तो फ़ोर जीरो सेवन वैसे ही रह गया भाई ठीक है और थ्री टू जीरो इंटरचेंज हो गया थ्री टू जीरो इंटरचेंज हो गया और ये वैल्यू कितनी होगी फिर से वन हो गई और लास्ट वैल्यू था वन माइनस टू और सेवन और ये वैल्यू कितना था आपके पास जीरो अब बोल रहे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप था इसलिए बिना सॉल्व के हम आंसर दे दिए लेकिन मेरे को कोई भी ऐसी बातें नहीं होना चाहिए जो हमको पता नहीं है मतलब ऐसी बातें नहीं होना चाहिए अब मेरे को पता है कि देखो यार ये जो इक्वेश बन रहा है आपके पास अगर मैं ए मैट्रिक्स की बात करूं तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना ध्यान देखो ना ये A matrix है, ये ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है ये जो ए मैट्रिक्स दिख रहा है इसका कितना ऑर्डर दिख रहा है कितने रो से फोर कितने कॉलम है थ्री तो फोर क्रॉस थ्री है ना तो डिटर्मेंट ऑफ ए कैसे पॉसिबल है तो ये जो कंसेप्ट है नॉट वैलिड कंसेप्ट वैलिड कंसेप्ट मैं डिटर्मिनट की बात ही नहीं कर सकता हूँ डिटमिनंट इज ओनली वैलिड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा हो गए तो मैं डिटमिनेंट की कहाँ से हेल्प ले पाऊंगा नेवर अब मेरे पास ये इक्वेशन है दिख रहा है वन 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 फोर जीरो सेवन थ्री टू जीरो वन माइनस टू सेवन कितनी प्रैक्टिस पे बेस्ड है और कितना कॉन्फिडेंस है इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रैक्टिस कितना कॉन्फिडेंस अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि सर क्वेश्चन खत्म हो गया सर आगे बढ़ते आगे मतलब क्या ये फिक्स है कि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप ही आएगा एग्जाम में आया था जिस दिन उस दिन वन पुट करते एक सेकंड दस सेकेंड में और आगे बढ़ जाते तो आपको ध्यान से सुनना है पूरी बातों को आपको कैलकुलेशन आना चाहिए कंसेप्ट आना चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए आपके पास तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में बात कर लूँ ये तो अगर मैं बोल दूँ कि आपके पास जो वैल्यू थी ठीक है क्या क्या वैल्यू थी आपके पास ट्रिपल वन 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 और ये कितना था थ्री था फिर नेक्स्ट में क्या वैल्यू थी फोर जीरो सेवन फोर जीरो सेवन ये वन था थर्ड में क्या वैल्यू थी थ्री टू जीरो थ्री टू जीरो मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ उसको छोड़ के कि यार आप तो कर ही लेना करके मतलब ये सुनिए इस बात पे कि आप कर लेना करके और मैं छोड़ दूँ ठीक है सर हम देख लेंगे ये इसी क्या है कि कुछ यशू है क्या कर हाँ तो ये हमारे पास था ठीक है सर अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं तो कर दूंगा आर टू में क्या कर दूंगा मैं आर टू माइनस फोर आर वन ये कर दूंगा मैं फिर आर थ्री में र थ्री में सर आर थ्री माइनस थ्री आर वन कर देंगे बिल्कुल सही है और आर फोर में आर फोर में सर आर फोर माइनस आर वन कर देंगे दिस वन ये तो अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि देखो ये वन 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 था और ये आपके पास थ्री था अगर मैं फोर का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जीरो आ गया फोर का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस फोर आ गया फोर का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये थ्री आ गया फोर का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बारह था वन माइनस ट्वेल्व किए तो माइनस इलेवन आ गया अब थ्री का मल्टीप्लाई किए तो ये जीरो हो गया थ्री का मल्टीप्लाई किए तो थ्री टू माइनस थ्री माइनस वन आ गया थ्री का मल्टीप्लाई किए तो थ्री आ गया तो माइनस थ्री आ गया और थ्री का मल्टीप्लाई किए तो नाइन तो माइनस आ रहा है उसके बाद कितना आ रहा है उसके बाद ध्यान से सर तो जीरो आ गया माइनस में से एक गया तो माइनस आ गया फिर सेवन में से एक गया तो कितना आ गया सिक्स आ गया बिल्कुल सर और, और सर माइनस आ गया अब अगर आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप है ही नहीं मतलब आप चाहो तो आप इसको जीरो कर दोगे इसको आप जीरो कर दोगे तो देखो तो एक जीरो फिर आपके पास ये इस इस वाले को पूरे आप आप, अगर जीरो करने जाओगे तो आप देखोगे कि इस वाले को अगर मैं आर फोर को अगर जीरो करने वाला बहुत फास्ट आपके पास थॉट प्रोसेस होना चाहिए आर फोर को अगर मैं बोलूं कि आर फोर माइनस थ्री आर थ्री कर दो क्या होगा इससे इससे सर ये जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा कोई इशू तो है नहीं जब ये जीरो हो रहा है तो आपको दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपको दिखना चालू हो जाता है रिलेशनशिप में आपको दिखना चालू हो जाता है कि वन 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 ये थ्री जीरो माइनस फोर थ्री माइनस इलेवन अब भाग नहीं सकते आपके पास जब आप लिख रहे हो आप सोचोगे कि मैं सोते सोते ऐसे देख लूँ मस्ती में देख लूँ ऐसे इतने सारे प्रॉब्लम है तो आर फोर माइनस थ्री आर थ्री किए तो जीरो हो गया अब ये सिक्स था आपके पास और माइनस थ्री की तो कितना हो गया नाइन हो गया जब मैं बोल रहा हूँ कि नाइन और सिक्स कितना हो गया तो फिफ्टीन आ गया तो सोचो और छे पंद्रह और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैं थी आर थी का तो कितना हो गया? 24 हो गया गया अब आपको दिख रहा है देखा जाए तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी ये। और कितना आपके पास होगा तो आपके पास अगर ध्यान से अगर मैं बनाने की कोशिश भी करूं तो आपके पास ये दिखना चाहिए कि वैसे भी जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस फोर मैट्रिक्स है इसको अगर मैं जीरो बनाने की कोशिश करूँ भी इतना आपको दिख रहा होगा तो मैं इस वाले टर्म्स को अगर जीरो करने की कोशिश करूँ भी तो आपको दिखेगा कि आपके पास यहाँ पे तो इक्कीस वाला जो टर्म्स है वो जीरो नहीं आ रहा है इक्कीस वाला जो टर्म्स है आपके पास कुछ मिस्टेक तो नहीं की चेक करो आप चेक करते जाना आपके पास कैलकुलेसन मिस्टेक चेक करते जाना कि फास्ट मोड में जब हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी मिस्टेक भी हो सकता है इसमें कोई इशू तो नहीं आया देखो आप ध्यान से मैं बोला कि थ्री का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया थ्री का मल्टीप्लाई किया तो नाइन हो गया माइनस नाइन हो गया तो थ्री का माइनस थ्री का मल्टीप्लाई कर लिया तो नाइन और सिक्स था फिफ्टीन सही है थ्री का मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री का तो प्लस थ्री हो गया थ्री माइनस थ्री के साथ ऐड कर दिए माइनस थ्री का मल्टीप्लाई किए चौबीस किए माइनस थ्री में चौबीस ऐड किए तो कितना हो गया ट्वेंटी वन हो गया कितना हमको दिख रहे हैं यस सर यहां से अगर मैं ध्यान से देखूँ आपके पास अगर मैं इसको बनाना रहता अगर मेरे को इस वाले टर्म्स को अगर मेरे को बनाना रहता ये वाले टर्म्स को मैं यहाँ से इसको सॉर्ट आउट किया अगर मैं बोल दूँ कि इन दोनों टर्म्स को अगर मैं माइनस करता आर थ्री में से अगर मैं आर टू माइनस करता तो कितना होता है ये प्लस थ्री आ रहा था और ये कितना आ रहा था माइनस सिक्स आ रहा था ये वाला टर्म्स इसका मतलब है थॉट प्रोसेस की बात होती है कि कैसे फास्ट आप कर रहे हो अगर मैं इसकी जगह पर अगर ये करना चाहता कि सर आप क्या करो सर आर फोर है ना आप आर फोर में ऐड करो रहे हो किसको एड करे भाई आर फोर आप ऐड करो सर आर थ्री और इसको अगर मैं कर दूं क्या आर थ्री माइनस आर टू को आर थ्री माइनस आर टू करूंगा तो कितना होगा माइनस वन प्लस फोर तो प्लस थ्री हो जाएगा इसके साथ ऐड करोगे जीरो आ जाएगा माइनस थ्री में ये माइनस थ्री एड कर दोगे आपके पास तो माइनस सिक्स हो जाएगा इसके साथ ऐड करोगे तो पूरा पूरा जीरो हो रहा है ये सही एकदम और अगर मैं इसके साथ अगर मैं बोल दूँ कि कितना हो रहा है आर फोर माइनस थ्री आर थ्री माइनस आर टू कर दूँ तो ये भी हो रहा है माइनस एट थ्री और, और इसके साथ ऐड कर दूं तो जीरो जीरो पॉसिबल तो है रहा कि हम अगर जब चीजों को देखना चालू करते हैं मैट्रिक्स कैलकुलेशन आपके पास क्लियर है ना चाहिए रिजल्ट था 3, फिर कितना था आपके पास जीरो माइनस फोर थ्री जीरो माइनस फोर थ्री ये था माइनस इलेवन ये सेकेंड और थर्ड रो को मैं अगर अच्छे से यूज कर रहा तो ऐसा हो गया जीरो माइनस वन माइनस थ्री अच्छा अभी अभी हम ऐसा क्यों सोचे क्वेश्चन ये कि हम ऐसा क्यों सोचे कि इनको ऐसा कर देते लास्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो सब तो जीरो आ जा रहा है जीरो 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 आ जा रहा है जीरो आ गया आप ये भी बोल सकते हो कि सर देखिए सर इतना आपके पास जीरो आ रहा है अच्छा हम ऐसा क्यों सोचे इसलिए हम सोचे कि यार देखो एक मैट्रिक्स आपके पास ए है एक ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है ध्यान से की, ऐसा क्यों सोचना चालू किया अच्छा कंसेप्ट कैसे होता है जब हम ए मैट्रिक्स को सोचना चालू किया तो हमको दिख रहा है कि यार ये ए मैट्रिक्स है सर इसका फोर क्रॉस थ्री का मैक्सिमम रैंक कितना पॉसिबल है सर मैक्सिमम रैंक थ्री पॉसिबल है सर अच्छा तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट रोज कितने होंगे थ्री होंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस कॉलम कितने होंगे थ्री होंगे तो सर थ्री कॉलम ही है सही बात है लेकिन रो तो फोर है तो नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट रोज अगर थ्री होंगे तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट रो एक होना चाहिए मतलब एक पूरा जीरो बन सकता था ये ये जो थॉट है ये हमारे बहुत काम आ गया तो हम बोले यार ये तो जीरो हो रहा ध्यान से देखें तो हम इस ऑपरेशन से करके यही से जीरो कर सकते थे तो अगर मैं ये परफॉर्म कर दे रहा हूँ तब तो ये जीरो हो जा रहा है ये पूरा जीरो हो गया लेकिन ये करने से ये जीरो हो गया अब आप ये बोल सकते हो कि सर ये तो सर जीरो हो गया रैंक ऑफ ए कितना है

नंबर वेरेबल से कम हो जाता अभी देखो नंबर ऑफ वेरेबल तीन ही है और हमारा रैंक भी तीन आ रहा है तो रैंक भी थ्री आ रहा है और ये भी आ रहा है और सर ये तो पूरा जीरो होना ही था तो कोई इशू तो था नहीं और सोचो अगर ये अलग अलग अगर आपके पास सर अगर सर ये रैंक ये जीरो नहीं होता तो अच्छा ये जीरो नहीं होता तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी तो अलग अलग हो जाता है तो नो no सॉल्यूशन आ जाता ना तो ये मत सोचो कि रैंक ऑफ ए सो सर जीरो आने वाला था रैंक ऑफ ए भी सर कैसे जीरो आ गया अगर ये जीरो नहीं आता तो रैंक ऑफ ए भी जो होता फोर हो जाता और रैंक ऑफ ए की वैल्यू थ्री हो जाती इसका मतलब है कि तो नो आ जाता तो जीरो होना जरूरी था तो कई बार आपको जब कंसेप्ट पता होता तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी हेल्प हो जाती इसलिए मैं फटाफट सोचा कि अरे यार, यार ये करने की जरूरत नहीं ये कर ये इसको कहाँ मेहनत करेंगे इसी में क्लियर कर देते तो ये सोचना चालू किया कि यहाँ से क्या बन रहा है तो बन गया यहाँ से सोचना चालू किया एक और चीज आप ये ना सोचें कि सर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी सर थ्री है सर ये सही है लेकिन सर ये यूनिक सॉल्यूशन कैसे हो गया ये भाई नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आया ये नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है जब आप बोलते हो ना कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी और एक जीरो आ गया तो सर रैंक तो एक कम हो गया अरे भैया रैंक कम वम नहीं हुआ जिसका मैक्सिमम रैंक आपके पास कितना पॉसिबल था तीन रैंक पॉसिबल था मैक्सिमम रैंक देखो ना कितना पॉसिबल था तीन सर क्यों क्योंकि तीन कॉलम है और रो आपके पास चार है जब कॉलम कम होते हैं तो फिर उतना ही रैंक मैक्सिमम हो सकता है तो फिर सर रो तो चार है तो एक डिपेंडेंट रो होगा ना तो पूरा जीरो होने वाला था ओके okay. ठीक है तो बहुत जल्दबाजी में ना रहे आप बहुत जल्दबाजी में ना रहे क्योंकि ऐसे किसी को मैं दे दूँ और बोलूँ कि कितने सॉल्यूशन होते तो हो सकता है वो चिल्लाने लग जाए क्या सर इन्फानाइट 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 सर ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ वेरेबल के बराबर है ओके okay. तो इन जनरल अगर मैं थॉट लूं तो इसको बिना सॉल्व किए भी आंसर दिया जा सकता था, था कि वन क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप में बाकी चीजें हो नहीं सकती न्यूमेरिकल आंसर टाइप में बाकी चीजें हो नहीं सकती तो यह क्रिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप सॉल्व करते हो तो इस तरीके से आपको सोचते आना चाहिए क्रिएटिविटी इज ज्यादा इंपॉर्टेंट अब देखो आपके दो हजार छ आई टी खड़गपुर का क्वेश्चन है ठीक है ध्यान देखिएगा क्या क्वेश्चन है दो हजार छह का क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन देखिएगा, देखो अभी भी पूछ रहे पूछ रहे आपके पास कि कब सर खत्म होगा सर अरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं अभी मैं रिप्लाई किसी को नहीं कर पाऊंगा ठीक है हाइस में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा भाई किसी को भी एफ इज एन एन क्रॉस एन रियल मैट्रिक्स बी इज एन एन क्रॉस वन रियल वैक्टर सेक्टर चार में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है तो एमसी क्यू होता था एमएस की उस जमाने में नहीं होता था दो हजार छह की बात है अब ऐसे क्वेश्चन तो बनने के चांसेस बड़े कम है हो सकता है किसी के कॉपी में ऐसे क्वेश्चन दिखे भी ना मैक्सिमम जगह हो सकता है ऐसे क्वेश्चन मिसिंग हो बट बट हमको देखना है कि आईडी के प्रोफेसर आपको किस लिमिट तक पूछना पसंद करते हैं तो बोल रहा है कि एफ

Solution, यार, और सर ए का वैल्यू जीरो सोल्यूशन है इन्फाइट सोल्यूशन अब एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब यू माइनस वी की वैल्यू जीरो अगर मैं बोलूं एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है मतलब यू माइनस वी इक्वल टू जीरो यू इक्वल टू वी आएगा अगर ये पहला वाला है बट क्वेश्चन में गिवन था कि u नॉट इक्वल टू v इसका मतलब है कि नल सॉल्यूशन नहीं हो सकते मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकते नल सॉल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज एक होमोजियंस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट होमोजियस इक्वेशन तो कंसिस्टेंट ही होता है तो या तो नो या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इन्फाइट सॉल्यूशन होगा इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन इनसिग्निफिकेंट सॉल्यूशन अनइंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस और ये सिग्निफिकेंट सोल्यूशन इनफाइनेंट सॉल्यूशन तो पहला हो नहीं सकता तो सेकंड क्या हुआ सेकंड का मतलब है कि सर डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या आ गया हमारे पास ये आ गया कि सर देखो पॉइंट क्या जमा हुआ अच्छा पॉइंट्स क्या जमा हुआ तो पॉइंट्स ये जमा हो गया कि क्या पॉइंट्स ये जमा हो गया कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो सर हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो बिल्कुल डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो आ गया इसका क्या मतलब है सर तो डिटर्मिनंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो आ गया यस इसका मतलब ये हुआ सर कि हमारे पास इन्फानाइट सोल्यूशन थे इन्फानाइट सोल्यूशन थे ओके फिर क्या आ गया इसका मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सर रैंक निकालने जाऊँ अगर एफ़ का तो रैंक ऑफ एफ की अगर मैं बात करूँ तो तो सर एन से लेस देन होगा लेस देन एन होगा बिल्कुल होगा डिटर्मिनेंट जीरो है आपके पास तो लेस देन एन होगा तो लेस देन एन होगा ऐसे करके कुछ बातें जमा कर लिए ओके ओके अभी क्वेश्चन क्या है वो अलग बात है मैं बोल रहा हूँ कि एफ यू इक्वल टू एफ ई भी था तो मैं एक साथ रख लिया ये तो वही बात होगी आपके पास कि ए एक्स इक्वल टू जीरो तो देर आर टू पॉसिबिलिटी आपको क्लियर है चाहिए पॉसिबिलिटी तो ए मतलब एफ तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू जीरो ठीक है ऐसे करके बात करना चालू किया अब हम बोल रहे हैं कि यार क्या क्या बातें लिखी गई है कि कौन कौन सी बातें फॉल्स है तो मैं देख लेता हूँ कि ट्रू बातें कौन कौन सी है फॉल्स बोल रहा है तो एक फॉल्स होगा बाकी सब ट्रू होगा बोल रहा है कि डिटर्मिनंट ऑफ एफ इज जीरो तो ट्रू है

यहाँ पे की जीरो नहीं हो क्यों एक्स की वैल्यू जीरो जीरो नहीं हो सकता तो जब आप ये बात करते हो ना दिसमिनेंट आपने जब एक्स इक्वल टू जीरो बोलते हो तो डिटर्मिनेट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो

Have two identical rows. ये आपके टू आइडेंटिकल रोस है अगर किसी अगर अगर है है में तो इसका मतलब है कि जीरो होता है अगर मैं बोल दूं कि एक मैट्रिक्स एफ है और टू आइडेंटिकल आपके पास ये क्या है? ले गया बोले वन टू थ्री है और ये है जीरो माइनस टू और वन है और ये वन टू थ्री है तो टू आइडेंटिकल रोस अगर दिया है तो डिटर्मिनेट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो होगा सही तो बात है सर तो फिर फॉल्स क्यों लिखे फॉल्स इसलिए लिखा क्योंकि जब किसी का डिटर्मिनेट जीरो होता है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि उसमें टू रोस आइडेंटिकल होगा ये तो डिटर्मिनेट जीरो होने के तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं अगर मैं बोलूँ कि एफ ये है ये था वन टू थ्री ये था टू थ्री फोर वन प्लस टू थ्री टू प्लस थ्री फाइव और तीन और चार सात है ये देखो आपके पास थ्री फाइव सेवन हो गया कहां आइडेंटिकल रोज है तो भी इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो जीरो होने के लिए आइडेंटिकल रोज होना जरूरी नहीं है लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए तो सिर्फ ये बोलना हाँ आइडेंटिकल रोस है तो डिटर्मिनेंट जीरो होता है लेकिन डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब आइडेंटिकल रोस नहीं होता समझना एकदम एकदम समझना इसलिए गलत हो गया नहीं तो कोई भी सोचेगा कि सर ये तो सही है सर ये फॉल्स कैसे हो गया फिर वो का सेकेंड और बी और सी में से कुछ नहीं ये गलत इसलिए हो गया आपके पास गलत इसलिए हो गया ये बिकॉज ये बोल रहा है कि एफ मस्ट है इसका मतलब ये बोल रहा है कि एफ में यही होना चाहिए मस्ट है टू आइडेंटिकल रोस ऐसा नहीं भैया किसी का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो जरूरी नहीं कि उसके टू रोस आइडेंटिकल होंगे ठीक है उसके टू कॉलम आइडेंटिकल हो सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है रोस में और कॉलम में यही तो मतलब होता है और क्या है ओके सर तो ये रॉन्ग था मस्ट है वो बोला था बाकी तीन आपके पास स्टेटमेंट लिखे हुए थे नो no सॉल्यूशन का केस इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज देर आर टू सोल्यूशन ऑलरेडी यू और वी के फॉर्म में दिया है ठीक है सर तो ये आंसर आपके पास फिर डी आंसर था गुड क्वेश्चन गुड स्टेटमेंट क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन को समझते आना चाहिए कि कोई क्या क्या बात कर रहा है कैसे लिख रहा है कैसे बोल रहा है कितनी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन ना बनना चलेगा लेकिन आपको ये इसमें डाउट है सपोज करो कि ये क्या बोल दिए आप ये क्या बोल दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है सॉल्यूशन का क्या करेंगे क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा होगा ये 2016 का सोलह का क्वेश्चन का क्वेश्चन वेरिएबल ऐसी बड़ा पसंद है उनको लीनियर इक्वेशन और वेरिएबल के बारे में बात करना और ऐसे चार स्टेटमेंट लिखे अब जो एक नॉर्मल बच्चा होगा वो तो कभी हैंडल ही नहीं कर पाएगा क्यों क्योंकि वो तो मैथ्स करना जानता है वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट देख के डर जाता है तो हम तो वही बात कर रहे हैं जो आई के प्रोफेसर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं जो आपसे आई के प्रोफेसर एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं आपसे वही हम बात कर रहे हैं तो देखो ये स्टेटमेंट है क्या लिखा हुआ है इफ एम लेस देव ए सोल्यूशन इफ एम ग्रेटर देन देन नॉन ऑफ दिस सिस्टम सोल्यूशन और इफ एम इक्वल टू एन देन देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम विच हैज अ सॉल्यूशन और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऐसा करके लिखा हुआ है ऐसा करके लिखा हुआ है तो मैं बोल रहा हूं कि कभी कभी आसान नहीं होता है ये बातें करना नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एम बोला गया और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अननोन्स को एन बोला गया और अगर मैं सोचने की बात करूं कि क्या चीज है तो आपको दो ही बातें क्लियर रहना चाहिए क्या दो बातें अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन है एम मतलब नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी आर यूनिक सोल्यूशन होता है मतलब यूनिक सोल्यूशन हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं यस सर और और सर नो सोल्यूशन हो सकता है बिल्कुल yes और सर no अगर एम के लिए अगर लेस देन एन है तो एम के लेस देन अगर एन है तो देर आर टू पॉसिबिलिटी नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन ये ऐसे ही करके आपको चीजें पता होना चाहिए सर पहले वाले केस में एम लेसन एन बोल रहे हैं, मतलब आप यहां पहुंच जाओ ठीक है आप यहां पहुंच जाओ अब ये ये क्या है और ये क्या यहां पहुंच गए अपन जो है, वो यहां पर यहाँ से डायरेक्ट होगा एम लेसन एन एम लेस देन एन में क्या सोल्यूशन होते हैं सर नो सॉल्यूशन सोल्यूशन सॉल्यूशन ये बोल रहा है अगर एम लेस देन होगा तो ऑल सच सिस्टम सॉल्यूशन देन ऑल सच सिस्टम सॉल्यूशन बोल रहा है कि तब ऑल सच सिस्टम हर सिस्टम के सोल्यूशन होंगे नहीं भैया नो सोल्यूशन भी, no भी पॉसिबल है नो सोल्यूशन पॉसिबल इंफानेट सोल्यूशन पॉसिबल आप बोल रहे कि इस, सिस्टम में आपके पास सिर्फ सोल्यूशन आपके पास इसमें लिखा कि ऑल सा सिस्टम है सोल्यूशन हर सिस्टम का सोल्यूशन होता नहीं ये रॉन्ग स्टेटमेंट है नो no सोल्यूशन भी पॉसिबल है इसलिए जो लिखा हुआ आपके पास ये इसलिए लिखा हुआ है ये फॉल्स है क्योंकि नो सोल्यूशन भी होता है ठीक है एम ग्रेटर देन एन एम ग्रेटर लिखा हुआ आपके पास इसका मतलब है एम ग्रेटर मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन बी में जाते हैं हम लोग ऑप्शन बी में जाओ क्या लिखा हुआ है? एम ग्रेटर में देन नन ऑफ दिस सिस्टम है जे सॉल्यूशन, बोला किसी सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं होंगे जबकि यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं इन्फाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, फॉल्स है भाई सब हो सकता है इसमें तो ये बोल रहा है कि किसी सिस्टम में नन ऑफ दिस सिस्टम हैज जो सॉल्यूशन फॉल्स स्टेटमेंट

ये करेक्ट बात है आपके पास इस क्वेश्चन की अगर तो 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 तो। तो 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 तुक्का भी नहीं लगता आपके पास पता नहीं कौन सा तुक्का लगाया करके ऐसा हो जाता है तो तुक्का भी नहीं लगता इस सब चीजों में क्यों मैं इसलिए इतनी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दस सेकंड के लेकिन आपसे बनेंगे नहीं मैथ्स इंजीनियर लोग इंजीनियरिंग करते करते Normally, उनसे मैस वो बनता है है जिसमें कुछ हाथ चलाना पड़ता है। सोचने वाला दो हजार सोलह आईसी बैंगलो का है ये दो हजार नाइन नाइनटी सिक्स आईसी बैंगलो का 1996. मैं सब कुछ ले लिया मैं पहले बोल रहा हूं मैं सब कुछ ले चुका हूं सब कुछ ले चुका हूं मतलब ये 222 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है पहले चैप्टर का 222 नंबर का क्वेश्चन सब ले चुका हूं मैं आपको से मेरी बातें सुनना है अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे नहीं फॉलो कर रहे तो इट्स ओके कोई सुनिए इतने सारे लोग पढ़ाते हैं आप किसी को फॉलो कर सकते हो लेट एक्स इक्वल टू बी बी ए सिस्टम ठीक है भैया आप लीनियर इक्वेशन वेयर इज एम क्रॉस एंड मैट्रिक्स ठीक है भैया एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ठीक है एम क्रॉस एंड मैट्रिक्स है और बी एम क्रॉस एन कॉलम आपके पास है और एक्स इज है एन क्रॉस कॉलम वैक्टर ऑफ अनोन ठीक है ठीक है ठीक है तो एक्स इक्वल टू बी आपके पास दिया हुआ है सही लिखा हुआ है एकदम सही लिखा हुआ है तो अगर मैं बोलूं भी कि देखो आपके पास जो इक्वेशन लिखा है वो क्या लिखा हुआ है सर ए मैट्रिक्स है बोल रहा है एम क्रॉस एन होगा सही है फिर बोल रहा है एक्स मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस वन होगा सब दिया था क्वेश्चन और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस वन होगा क्या ही गलत है एन एन कैंसिल आउट हो गया दोनों जगह से तो सही लिखा है सब कुछ ठीक है सर सही लिखा है ओके okay. तो जो लिखा है वो दिख भी रहा हमको अब क्या हुआ अब बोलना चालू किया कि यार द सिस्टम है जे सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी अब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी अगर मैं बात करूं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आपके पास होगा अब मेरे को पता है कि यार ये ए जो है वो तो रेक्टेंगुलर आपके पास जो है ये और रैंक ऑफ ए बी अब ये नहीं बोला गया कि वो कितना होगा कितना भी हो अगर मैं रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बोल रहा हूँ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी बोल रहा हूँ तो अगर वो किसके बराबर हो गए नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो गए सपोज करो एम की वैल्यू आपके पास जो एन की वैल्यू कम है एन की वैल्यू कम एन के, के बराबर आ गया ये आपके पास एन की वैल्यू आपके पास जो भी उससे कम आ गया किसी भी टू रैंक है। और इस केस में क्या होता है इस केस में इन्फाइट सोल्यूशन होता है एन मतलब इट्स ये। हमको सिर्फ बोला गया कि रैंक ऑफ एक्वल टू रैंक ऑफ बी और सिस्टम का सोल्यूशन होता है सही तो बोल रहे हैं क्योंकि

और ये सर लीनियर नॉन होमोजिनियस इक्वेशन है यस लीनियर नॉन होमोजनअस इक्वेशन है ठीक है स्टेटमेंट क्या था देन द सिस्टम है ए यूनिक सोल्यूशन तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा बोल रहा है अगर ऐसा है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा क्यों भाई ए एक्स इक्वल टू बी लिखा है और इस और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्यों यूनिक सॉल्यूशन होगा आर थ्री पॉसिबिलिटी ऐसा थोड़ी होता है आपके पास कि ऐसा लिखा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा आर थ्री पॉसिबिलिटी इन्फानाइट हो सकता है सिंगल सोलूशन हो सकता है नो no सॉल्यूशन ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास ऐसा थोड़ी हो सकता है, तो है, है।, 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 है तो एम नॉट इक्वल टू एन है यस मतलब तो बार बार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं सर कि अगर एम लेस देन एन है तो एम लेस देन एन जब भी बोलते हो तो बोले ध्यान से देखा करो कि नंबर ऑफ मतलब रोस था आपके पास ए मैट्रिक्स का और एन मतलब कॉलम नंबर ऑफ अननोन या वेरिएबल्स ये पता है क्या है क्या है क्या है सर देर आर टू पॉसिबिलिटी क्या क्या सर नो सोलूशन बिल्कुल फिर इंफानाइट सोल्यूशन ओके अब अब देखो क्या है अब बोल रहा है कि क्या है और आगे की बात कंप्लीट नहीं है बीज ए जीरो वेक्टर ओके बी इज ए जीरो वेक्टर जब बी को जीरो वेक्टर बोल दिया बी इज जीरो वेक्टर, जो भी एन क्रॉस वन जीरो वेक्टर है पता है, क्या हो गया सर ये तो एक्स इक्वल टू जीरो हाँ बी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो बोला जाता है इसी को ट्रिवियल uh, सॉल्यूशन बोला जाता है इसी को इनसिग्निफिकेंट सॉल्यूशन बोला जाता है इसी को अनइंपॉर्टेंट सॉल्यूशन बोला जाता है इसी को नेग्लेजिबल सॉल्यूशन बोला जाता है जीरो सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, द यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा कि सर अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है तो डिटर्मिनेंट आप एक्वल टू जीरो सही बात इसी को आप इंफाइनेट सॉल्यूशन बोलते हो इसी को आप इन्फाइन सॉल्यूशन बोलते हो बिल्कुल अब आपको ये पता है कि दोनों में से एक होगा लेकिन जब ये है तो जब ये दोनों को कंबाइन कर देते हो जब आप इन दोनों बातों को कंबाइन कर देते हो मतलब इंटरसेक्ट कर देते हो कंबाइन कर देते हो नो सॉल्यूशन वर्सेस इनफाइनाइट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन वर्सेस इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब आप इंटरसेक्ट कर देते हो मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस आप नंबर ऑफ वेरिएबल से कम रखो और उसको होमोजेनियस बना दो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है सर इन दोनों में एक ही चीज इंटरसेक्शन है क्या सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब मतलब सर अगर कोई बोल दे कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है हाँ और सर उसको होमोजेनियस बोल दे तो सर फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के सिवा कुछ दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है सही तो

इसका मतलब क्या है सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन ट्रू तो है सर, बिल्कुल ट्रू है। इतना डिटेल में पता होना चाहिए हमसे पूछा था कौन सा फॉल्स है तो बी ऑप्शन फॉल्स है देखो बी ऑप्शन फॉल्स है ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल लोगों से कभी बन ही नहीं सकते चाहे वो नाइनटी सिक्स में क्यों ना आया क्यों क्योंकि इतना सच में उनको आता है कि नहीं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उनको सॉल्यूशन सॉल्व करना आता है उनको कोई बता दिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं और वो लोग दस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं चार क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं उनको लगता है कि उनको मैथ्स मैथ्स आता आता है है तभी माना जाएगा आपको आता है। जब आप इस स्टेटमेंट को एंजॉय कर रहे हो और सबका मीनिंग जानते हो तभी माना जाएगा कि आपको मैथ्स आता है दो चार लाइन लिखने से मैथ्स नहीं आता है ठीक है अच्छा क्वेश्चन था सर ठीक ठीक है, थीक है?

बता भी दिया और जब हम देखने गए तो दिख भी गया हाँ सर देखने गए तो दिख भी गया सही तो है तो सर एक का डिटर्मिनेंट तो जीरो हो गया जब जैसे आपके पास डिपेंडेंट है तो एक डिटर्मिनेट जीरो हो गया ठीक सो के तो है इट्स ओके दे इज नो इज तो क्लियर हाँ फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा अल्फा की वैल्यू नहीं पूछा अल्फा की कितनी वैल्यूज हो दिस्टम दिस ऑफ द इक्वेशन है भाई ए का आपके पास तो डिटर्मिनेंट जीरो हो गया इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी होना चाहिए रैंक ऑफ़ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी होना चाहिए और वो टू होना चाहिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी नंबर ऑफ अन नोन थ्री है इसका मतलब ये जो टू है वो तो लेस देन एन हुआ हाँ सर टू तो लेस देन एन हुआ कैसे सर नंबर ऑफ वेरेबल नंबर ऑफ अन नोन तीन है ना तो आपका तो दो आ रहा है रैंक सर एक बार फिर से दो कैसे आया अरे यार ए का डिटर्मिनेंट जीरो है और टू क्रॉस टू के जो माइनस थे वो जीरो नहीं है तो रैंक वन नहीं हो सकता तो रैंक टू ही होगा डिपेंडेंट तो दे दिया गया आपके पास तो पता चल गया आपको कि ए का रैंक जो है आपके पास वो हो, टू होगा डिटर्मिनेट जीरो है ना एक्चुअली रैंक ए बी का जब इन्फानाइट सोल्यूशन बोला तो रैंक ए बी की वैल्यू भी आपके पास होना चाहिए इसके अंदर पूरा का पूरा एक रो आप जीरो बना दोगे जब आप पूरा का पूरा एक रो जीरो बना सकते हो अब देखो इसमें क्या आप नहीं कर सकते हो बता रहा हूँ पूरा का पूरा रो जब जीरो बना दोगे तो आप इसमें भी ऑपरेशन होगा जब आप रो एक लोन फॉर्म बनाना की कोशिश करोगे तो इसमें भी ऑपरेशन होगा आप अल्फा फाइव और सेवन में भी तो अल्फ़ा फाइव और सेवन में कुछ भी एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या ही हो जाएगा अल्फा की कोई

और स्क्वरमेट्रिक से ए तो कोई इशू तो है नहीं दिस वन और सर मैं रो इंटरचेंज कर दे रहा हूँ सर क्या सर वन टू माइनस एट कर दे रहा हूँ मेरे को लीडिंग एलिमेंट ये वन चाहिए रहता है तो मैं इंटरचेंज कर दिया सर वन टू माइनस एट और सर यहाँ पे आपके पास ही हो गया सेवन फिर क्या कर दिया भैया सर फिर फोर थ्री माइनस ट्वेल्व को कुछ नहीं कर रहा हूँ और ये फाइव ही है और सर टू वन माइनस फोर यहाँ कर दिया टू वन माइनस फोर और ये यह अल्फ़ा यहाँ पे आ गया सर मेरे को ये बताइए मेरे को ये पता है कि सी थ्री इक्वल टू अगर मैं सी थ्री में ऑपरेशन परफॉर्म करता सी थ्री में ऑपरेशन परफॉर्म करता तो मैं ऐसा लिख नहीं सकता हूँ सर सी थ्री माइनस फोर सी टू लिख सकता हूँ तो सर ऐसा क्यों नहीं लिखे सर जब आपको दिख रहा था तो आप इतने प्यार से सर ये नहीं कर सकते सर टू फोर वन हाँ वन थ्री हाँ

अल्फा फाइव और सेवन ये ये कर दिए अब बताओ अब ऐसे में तो आपको कभी दिख ही नहीं पाएगा आपको तो कभी दिख ही नहीं पाएगा देखो ध्यान से देखो इसका मतलब है कि क्यों हम बोलते हैं कि जब भी आप रो एके लॉन फॉर्म बनाते जब भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते कि आप हमेशा रो ऑपरेशन परफॉर्म करना क्योंकि जब आप रो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो ये इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो सकेंगे इधर रो ऑपरेशन एक्चुअली ये जो बी दिख रहा है इसमें रो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं इसमें कॉलम ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो जाएंगे तो ये आप जानते भी हो लेकिन ये करने की नीड नहीं है ये तो अजीबो गरीब हो गया मतलब समझ रहे हो ना यह अजीबो गरीब हो गया आपके पास इसमें तो कभी भी ये बी मैट्रिक्स में ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं होगा दैट्स वी ऑलवेज परफॉर्म रो ऑपरेशन इन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं तो वो तो अल्फा फाइव सेवन ही रह जाएंगे हमेशा के लिए हमको पता है सी टू सी थ्री डिपेंडेंट है हाँ, वो बता दिए तो हमको ये पता चल गया कि ए का डिटर्मिनेट तो जीरो आने ही वाला है ये हमको पता चल गया तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे कि मेरे को रो एकलॉन फॉर्म अगर यूज करना है और मैं बोल दूं कि यार R2 की वैल्यू R2 टू माइनस फोर आर है सही है और R3 की वैल्यू R3 थ्री माइनस टू आर है तो ठीक है कोई इशू नहीं है इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो वन टू माइनस एट है वन टू माइनस एट, एट है ये कितना है था 7 ये कितना हो गया 0 ये कितना हो गया चार का मल्टीप्लाई किया तो आठ हुआ तीन में से आठ गया तो माइनस पाँच हुआ चार का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बोले ये तो थर्ट माइनस थर्टी टू हो गया माइनस ट्वेल्व में प्लस थर्टी टू एड तो ट्वेंटी आ रहा है ट्वेंटी और ये चार का मल्टीप्लाई किए तो ट्वेंटी एट आ जा रहा है हाँ सर ट्वेंटी एट फाइव में से ट्वेंटी एट किए तो सर माइनस ट्वेंटी थ्री इट्स ओके कोई सुनिए ये जब जीरो किए तो जीरो आ गया टू का मल्टीप्लाई किए चार आ गया तो माइनस थ्री आ रहा है और फिर ये कितना है चार वन माइनस चार किए फिर ये तीन का दो का मल्टीप्लाई किया तो सोलह आ गया माइनस फोर में से सिक्सटीन की तो ट्वेल्व आ रहा है तो ये आ रहा है ट्वेल्व टू का मल्टीप्लाई की सोलह माइनस फोर प्लस सिक्सटीन तो प, आ जा रहा है प्लस सिक्सटीन और ये क्या है टू का मल्टीप्लाई की अल्फ़ा तो अल्फ़ा माइनस फोरटीन देखो ध्यान से देखना अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे तो ये हो जाएगा कैसे हो जाएगा आपको वैसे पता जीरो तो होने ही वाला है कैसे सर मैं क्या करता हूँ सर आर थ्री में ना सर फाइव का मल्टीप्लाई कर देता हूँ फाइव आर थ्री और माइनस थ्री आ टू कर देता हूं सर इससे क्या होगा भाई साहब देखो इसमें पाँच इस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पाँच का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा पंद्रह और ये कितना होगा साठ इसमें तीन का मल्टीप्लाई करेंगे वो पंद्रह और ये साठ ये पूरा जीरो हो जाएगा देखो ना ध्यान से ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा तो अगर अगला स्टेप में मैं लिखना चाहता हूं देखो स्मार्टनेस तो ये बोलता है कि आपको कुछ भी आपको पता था कि मेरे को सॉल्व नहीं करना है लेकिन फिर भी धीरे धीरे जितना ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट है और आपका मैथ्स कितना पसंद करते हो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मैथ्स आप मतलब मैथ्स के स्टूडेंट हो कि नहीं आप मतलब एलेवन ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़े थे कि नहीं इस बात पर भी डिपेंड करता है तो जीरो माइनस फाइव ट्वेंटी इंजीनियरिंग करते करते सबको देखने की आदत होगी मैक्सिमम लोगों को कि वो लोग ऐसे देखते रहते हैं क्या देखते रहते हैं ऐसे पेज पलटते हुए देखते रहते हैं तो मैथ मैथ्स स्ट्रांग नहीं होता हो सकता है इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए ऐसा नहीं कि नहीं हुए होंगे तो अब आपके पास देखो फाइव आर थ्री का मल्टीप्लाई कर दिए फाइव आर थ्री माइनस थ्री आर टू तो फाइव का मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया फाइव एल फाइव अल्फा माइनस फोर्टीन ये फाइव का मल्टीप्लाई था हाँ सर और माइनस थ्री आर टू था तो थ्री का मल्टीप्लाई किए तो ये आपके पास प्लस सिक्स नाइन हो गया ये इतना आ गया हमारे पास देखो जरा ध्यान से ये इतने आ रहा है यस सर इतने ही आ रहा है तीन का मल्टीप्लाई किया तो नौ और छः ठीक है इतने ही आ रहा है अब मेरे को पता है कि यार इन्फानाइट सोल्यूशन है रैंक ऑफ ए तो टू है ये तो दिख गया तो पहले भी पता था हमको क्वेश्चन स्टार्ट करते से तो क्वेश्चन में गिवन था तो रैंक ऑफ ए क्वाल टू है

मतलब तो अल्फा की वैल्यू तो पूछा नहीं था बट अल्फा की एक ही वैल्यू आएगी हमको पहले से पता था क्योंकि कुछ भी लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वैल्यू अलग कैसे आ जाएगी एक ही वैल्यू आएगी हाँ अगर वो अल्फा की वैल्यू पूछते तो क्वेश्चन इज वेरी गुड कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी तब तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ता बिना सॉल्व के भी आंसर दिया जा सकता था क्योंकि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा बोले थे हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ अल्फा बोले थे तो मेरे को पता था कि एक ही वैल्यू आएगी अदरवाइज अल्फा की वैल्यू पूछते कि द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विज द इंफानाइट सोल्यूशन तो फिर मैं अल्फा सॉल्व करने जाता चेक करो आप एक बार एक बार चेक करो किसी को इशू कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फास्ट बता देना कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा तो फास्ट बता देना मतलब मिस्टेक में से एक आधी बार हो भी सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फीलिंग और फीलिंग तो क्रिएट किया हूँ लेकिन कैलकुलेशन भी तो मतलब अभी चालू किया हो मैथ मैथ करना मतलब दो महीने एक दो महीने से दो महीने से ही पढ़ना चालू किया तो कभी कभी मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक में तो आपको बताना है कि यस सर मिस्टेक हो गया तो मैं ठीक कर लूंगा एक आधी जगह पर हो गया ऐसा कुछ है नहीं कि मैं सॉल्व किया तो मिस्टेक ही नहीं हो सकता हो सकता है क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस और फीलिंग जो है वो अभी जस्ट दो महीने पहले क्रिएट किया टू मंथ आपको तो ये ये दिखाना चाहता हूं मैं कि टू मंथ में भी आप अपने कंसेप्ट को इतना बेस्ट कर सकते हो कि पूरा 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 दुनिया इधर से उधर हो सकती है सिर्फ पागलपन होना चाहिए अब जैसे 2004 हजार चार आई दिल्ली का क्वेश्चन है कि हाउ मनी सोल्यूशन फॉलोइंग सिस्टम अब लीजिए क्वेश्चन कितने सोल्यूशन होंगे कि? ये तो वही आपके पास पॉसिबिलिटी की इन्फानाइट मेनी बोले टू डिस्टिंग सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन और नन ऑफ दिस मतलब नो no सोल्यूशन ये मतलब वो? कोई ना नवदिश बोल रहा है मतलब नो सॉल्यूशन ये पॉसिबिलिटी और टू डिस्टिंग सॉल्यूशन ये तो आपके पास होता नहीं ए सी और डी इसी में से कोई आंसर होगा माइनस एक्स प्लस फाइव वाई एक्स माइनस वाई टू एक्स प्लस थ्री वाई पढ़ो थ्री इज़ वेरी वेरी सिंपल इसलिए भी सिंपल है क्योंकि इसको तो मैं किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ क्यों इसको तो मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है जैसे आपके पास ये दिया हुआ अगर मैं बोल दूँ कि सिर्फ मैं ये मैं सेकेंड और थर्ड को देख लूँ और मैं सिर्फ निकाल दूँ क्या सप्रेट कर लूँ तो ये माइनस किए ये प्लस किए माइनस कर दिए कितना आ गया फोर वाई आ गया

तो आप ये देख सकते हो आपके पास के रिजल्ट आपके पास कि क्या क्या होगा ये देखो इतना दिख रहा है आपको देखिए ध्यान से देखिए तो एक्स की वैल्यू आपके पास नाइन बाय फोर आगे वाई की वैल्यू वन बाय फोर आ गए टू इक्वेशन था टू अनोन था आपके पास टू इक्वेशन टू अनोन जैसे आप देख पा रहे होंगे दिखना चाहिए आपको यस सर अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि

माइनस एक्स प्लस कितना था फाइव वाई इक्वल टू कितना था माइनस वन थर्ड वाला कितना था एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना था टू था दोनों को ऐड कर देता तो सर फोर वाई इक्वल टू कितना आता वन आता तो वाई की वैल्यू कितना आ रहा है वन बाई फोर ये दिख रहा वाई की वैल्यू वन बाई फोर ये फर्स्ट वो थर्ड को सॉल्व करता तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व किया था तो वाई की वैल्यू वहाँ से भीट नहीं आ रहा है वन बाई फोर फिर वाई की वैल्यू वन बाई फोर किसी में भी पुट कर दो तो? इसमें पुट कर दो तो वाई की वैल्यू वन बाई फोर तो थ्री बाई फोर हुआ थ्री माइनस थ्री बाई फोर हुआ तो अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे अगर पुट कर दो x प्लस थ्री वाई में तो x प्लस थ्री वाई की वैल्यू ये इक्वल टू थ्री है तो x की वैल्यू थ्री माइनस ये थ्री बाई फोर तो ये ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन बाई फोर ये इतना दिख रहा है आपके बस ये अब देखिएगा ध्यान से कि जब मैं एक्स और वाई के बारे में बात कर ही रहा हूं एक्स और वाई के बारे में बात कर ही रहा हूं अब अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं कि सर मेरे पास जो इक्वेशन है इसको दूसरे तरीके से मैं देख लेता हूं तीन इक्वेशन है मेरे पास क्या क्या इक्वेशन है ध्यान से देखिएगा क्या क्या मेरे पास माइनस एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू माइनस वन यस सर एक्स प्लस थ्री वाई एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू कितना है थ्री सर और थर्ड क्या है एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ कितना हुआ सर माइनस वन फाइव माइनस वन फिर वन थ्री सर थ्री सर फिर सर वन माइनस वन फिर सर टू सर ठीक अगर मैं इंटरचेंज कर लूँ इंटरचेंज कर दो वैसे तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ तो जीरो हो जाएगा अगर मैं बोल कि ठीक है इसको माइनस वन और फाइव था और ये आपके पास माइनस वन है इन दोनों को ऐड कर दो तो ज़ीरो हो गया इन दोनों को ऐड कर दो तो एट हो गया इन दोनों को ऐड कर दो तो टू हो गया फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो जीरो हो गया माइनस फाइव और वन ये आपके पास फोर आ गया इन दोनों को ऐड कर दो तो वन आ गया दिस वन ये ऐसे आ रहा देखो जरा ध्यान से इतना दिख रहा ध्यान देखो आप ध्यान देखिए अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो अगर मैं यहाँ से अगर सॉल्व करूँ कि इस वाले चीज़ों में अब ध्यान देखिएगा इस वाले से अगर मैं बोलूँ कि देखो यार आर थ्री में आप कर सकते हो क्या आर थ्री माइनस आर टू बाई टू हाँ सर कर सकता हूँ सर बिल्कुल तो क्या बना ये सर ये बना सर माइनस वन फाइव और ये माइनस वन था सर और जीरो एट था ये टू था और ये पूरा जीरो जीरो हो गया सर ये आ रहा है सर क्या मतलब हुआ इसका सर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ रहा है सर बट कितना आ रहा है बोले सर दो आ रहा है सर दो पता है ये दो क्या है एक्स और वाई नंबर ऑफ वेरेबल नंबर ऑफ वेरेबल ये नंबर ऑफ वेरेबल इतना आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ वेरेबल देखो जरा ध्यान से और नंबर ऑफ वेरेबल के बराबर है इसका मतलब ये है कि ये ठीक है यूनिक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन आपके पास तो अगर मैं बोलूं कि क्या आपके पास सॉल्यूशन है तो देखो 8 ये देखो X और वाई है इसी से सॉल्यूशन इस दो है? है तो एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी जो एक्स की वैल्यू थी कितना आ रहा था एक्स की वैल्यू नाइन बाई फोर आ रहा था कितना दिख रहा है हमारे पास तो ये यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या पता है? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास एक्स इक्वल टू कितना आया? एक्स इक्वल टू नाइन बाई फोर है हाँ एक्स इक्वल टू नाइन बाई फोर है और वाई इक्वल टू वन बाई फोर है तो ये टू डिस्टिंग सॉल्यूशन बोला है इसका मतलब ये नहीं कि टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशंस होंगे आपके पास तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये जो दो सॉल्यूशन होंगे बस यही होगा इसके सिवा और कोई दूसरा सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं हो सकता कि टू डिस्टिंग सोल्यूशंस में आपके पास दो अलग अलग सोल्यूशंस आपके पास की एक सोल्यूशन एक हुआ आपके पास फिर दूसरा ग्रुप एक और हुआ ऐसा करके नहीं है आपके पास ये यूनिक सोल्यूशन तो कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है तो यूनिक सोल्यूशन दैट मींस ओनली वन बाई फोर और नाइन बाई फोर एक्स की वैल्यू नाइन बाई फोर थी और वाई की वैल्यू कितना था वन बाई फोर था वाई की वैल्यू वन बाई फोर था ठीक है ये तो यूनिक सोल्यूशंस इक्वेशन को देख के भी हम देख सकते थे और वैसे भी नंबर ऑफ इक्वेशन की वैल्यू नंबर ऑफ वेरिएबल से ज्यादा था तो पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ तो हमेशा क्लियर है कि यूनिक सोल्यूशन बोल रहा हूं मतलब ओनली यूनिक वैल्यू एक्स और वाई की यूनिक वैल्यू ठीक ओके okay.

फोर जेड इक्वल टू एट थर्ड क्या दिख रहा है सर टू एक्स फिर सर टू वाय थ्री जेड इक्वल टू कितना आप एक्स वाई जेड फ्रॉम ऑप्शन आप सेटिस्फाइड भी कर सकते हो हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए कि ये आ रहा है ये आ रहा है पहला आ रहा है कि नहीं दूसरा आ रहा है तो आप ऑप्शन की भी हेल्प लग सकते हो फ्रॉम ऑप्शन यस यू कैन सॉल्व अब मेरे को ये पता है कि यार देखो ये आपके पास इक्वेश्स है और आप एक्स वाई जेड की वैल्यू के लिए सबसे तरीका अपने पास बहुत ही अच्छा तरीका है जब एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन है तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देख के पता चल गया फ्रॉम ऑप्शन की यूनिक सोल्यूशंस है फ्रॉम ऑप्शन की यूनिक सोल्यूशन है अब जो सोल्यूशन नहीं पता बट लेकिन यूनिक सोल्यूशन तो है यस सर यूनिक सोल्यूशन तो है ठीक है चलिए ये अच्छी बात है अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर इसको अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दूँ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है मेरे को तो ठीक है मैं तो बात कर ही सकता हूँ कि यार ये देखो वन टू थ्री ये नंबर भी अच्छे दिख रहे हैं वन टू थ्री है वन थ्री फोर है और फिर कितना है टू टू थ्री है फिर कितना हो गया छः फिर कितना हो गया आठ और फिर कितना हो गया बारह इस वक्त अब मेरे को सॉल्यूशन निकालना है मेरे को पता है यूनिक सॉल्यूशंस भी है तो वन टू थ्री तो ये हो गया ये सिक्स था इसमें से माइनस किया तो जीरो हो गया थ्री में से टू माइनस किया तो वन हो गया फोर में से थ्री गया तो वन हो गया आठ में से छः गया दो आ गया ये दो का मल्टीप्लाई किया तो ये जीरो आ गया दो का मल्टीप्लाई किया तो चार आ गया माइनस टू आ गया दो का मल्टीप्लाई किया तो छः आ गया थ्री में से छः गए तो माइनस थ्री आ गया दो का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बारह बारह में से बारह आ गया तो जीरो हो गया यस अब तो मैं सीधे यही से लिख सकता हूँ क्या अब तो टू यही से यही से मैं मैनेज कर सकता हूँ ना मैनेज कर सकता हूं कैसे कि y प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं तो टू वाई प्लस टू जेड इक्वल टू फोर है एड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा माइनस जेड इक्वल टू फोर मतलब जेड के लिए माइनस फोर आ रहा है एक आंसर निकले माइनस फोर ढूंढना चालू कर देते आप तो बोले सर सी बी और बी बी है माइनस फोर दो जगह है बिल्कुल सही कोई इशू नहीं अब सर वाई की वैल्यू आ गई तो सर एक्स निकाल लेते अपन वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो जेड के लिए माइनस फोर आई तो वाई प्लस जेड जेड माइनस फोर है तो टू आया तो वाई की वैल्यू तो सिक्स आ गई सर ढूंढ लो वाई की वैल्यू सिक्स किस में थी बोले सर वाई की वैल्यू सिक्स इसमें थी सर तो सी आंसर आ गया आपके पास एक्स निकाले भी नहीं आप y की वैल्यू 6 निकाल ली आपके पास ये भी गलत हो गया क्योंकि y सेटिसफाइड नहीं कर रहा था सी आंसर आ गया तो सर डरने की नीड नहीं है आप जैसे ही आप रो एकेलॉन फॉर्म बनाना चालू करते हो तो ऐसा नहीं कि मैं इसको जीरो करूंगा तभी सॉल्व करूंगा सर अब तो सर मैं पहले जीरो करके रखूंगा अरे डोंट वरी फॉर दैट यार यही से आ जाएगा जब दोनों कितने देर लगता है क्यों जबरदस्ती अभी और अगला स्टेप बढ़ाओगे आपको तो आंसर चाहिए था अब एक्स एक्स की वैल्यू निकालना है वैसे तो ऑप्शन आ चुका है बट एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या प्लस टू आई प्लस थ्री जेड था ये एक्स प्लस टू आई प्लस थ्री जेड है पहला इक्वेशन एक्स प्लस टू आई प्लस थ्री जेड है आपके पास यहां से निकल जाएगा एक्स प्लस टू आई जब मैं एक्स प्लस टू वाई बोल रहा हूँ और वाई की वैल्यू कितना है वाई की वैल्यू सिक्स है सर और कितना है थ्री जेड है जेड की वैल्यू कितना है आपके पास माइनस फोर सर थ्री जेड कर चुका हूं इक्वल टू सिक्स हो गया ठीक है तो एक्स की वैल्यू निकल गया आपके पास कितना हो गया बारह और बारह जीरो कैंसिल आउट हो गया एक्स इक्वल टू सिक्स आ रहा है आपके पास सिंपल तो एक्स इक्वल टू सिक्स आ रहा होगा आ रहा है सी ऑप्शन आ गया सिंपली सॉल्व ये एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्यूशन निकालना था लीनियर इक्वेशंस का मैं निकाल सकता हूँ ये बहुत पॉपुलर तरीका है रोयकैलॉन फॉर्म रोएकेलॉन फॉर्म में पूरा भी नहीं बनाना है फॉर्म में पूरा भी नहीं बनाना है बस आप ना इनको जीरो बनाओ और बस यहां पहुंचो तक पहुंचो तब तक तो शॉर्ट आउट हो जाएगी शॉर्ट आउट हो जाएगी सॉल्व हो गया सर मेरे को बताइए कि अगर मैं इसको बात करूं कि आप इसको और कोई तरीके से भी देख सकते हो क्या जब आप इंजीनियरिंग में थे या इलेवन ट्वेल्थ में जब होंगे आपके पास तो आपके पास जो है ए मैट्रिक्स की बात अगर मैं करूं कि क्या था इक्वेशंस की बात अगर मैं करूं ना इक्वेशन की बात करूं कि वन टू थ्री वन थ्री ये था आपके पास इक्वेशन ऐसा दिया था हाँ सर ऐसा दिया था ये दिया था वन टू थ्री ध्यान देखना फिर कितना था टू थ्री वन थ्री फोर वन थ्री फोर और सर टू टू थ्री टू टू थ्री ये क्या दिया है एक्स वाई जेड सर ओके राइट साइड में क्या दिया था छः आठ बारह छ आठ बारह अब आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन निकालना है आपको पता मैं एक्स के वाले क्या लिख सकता हूं अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉम क्रेमर्स रूल फ्रॉम क्रेमर्स रूल अगर आप कभी सुने होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन निकालने के लिए फ्रॉम क्रेमर्स रूल इलेवन ट्वेल्थ में भी क्यों होंगे क्या होता था बोला जाता है कि अगर आपको एक्स निकालना है ना एक्स निकालना है तो डेल वन बाय डेल कर दो वाई निकालना है तो डेल टू बाय डेल कर दो और जेड निकालना है तो डेल थ्री बाय डेल कर दो ये सॉलीस नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा होता था डी दिक, डी रूल बोलते थे हम डी क्रेमर रूल अब बताओ इसमें से डेल्टा दे, क्या है डिटर्मिनेंट डेल्टा अगर मैं बोलूँ कि डेल्टा क्या है तो डेल्टा जो है वो डिटर्मिनेंट है किसका इसका वन टू थ्री वन थ्री फोर और टू टू, टू थ्री अब मैं चाहूँ तो लीनियर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ या तो सिंपली सॉल्व भी कर सकता हूँ मेरे लग रहा है कि नंबर बहुत आसान है तो उसको जीरो कर लिया तो जीरो हो गया ये कितना हो गया वन हो गया कितना हो गया वन हो गया इसमें से जीरो हो गया तो जीरो हो गया ये हो गया माइनस टू दो का मल्टीप्लाई किया छः था तो माइनस थ्री हो गया मैं बोल रहा मेरे को सॉल्व करना है तो वन आ गया आपके पास और ये कितना आ गया माइनस थ्री और ये प्लस टू आ गया डिटर्मिनट माइनस वन आ रहा है डिटर्मिनेंट अब मेरे को अगर डेल्टा वन निकालना है तो डेल्टा वन क्या होता है जब आप डेल्टा वन के बारे में सोचते हो तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ कि जब आप डेल्टा वन बोलते हो ना इसका मतलब है कि ये पहला वाला इंटरचेंज हो जाएगा इस वाले से सिक्स एट ट्वेल्व से तो सिक्स एट ट्वेल्व होगा कलर चेंज कर देता हूं मैं ये सिक्स एट ट्वेल्व होगा सिक्स एट ट्वेल्व होगा ये जब आप एक्स के लिए निकाल रहे हो बाकी सब कुछ सेम टू थ्री टू और थ्री फोर थ्री थ्री फोर थ्री यह डेल्टा वन होगा यह डेल्टा वन अगर इसको सॉल्व करना है आपको छ के साथ कितना आ गया सर नौ नौ माइनस एट हाँ सर नाइन माइनस एट माइनस टू ये कैंसिल ये कैंसिल चौबीस माइनस अड़तालीस हाँ फोर्टी एट फिर सर थ्री के साथ थ्री के साथ ये कैंसिल कितना हो गया सिक्सटीन आठ दो सोलह और ये चौबीस सर ठीक है चलो देख लेते ये कितना हो गया सिक्स सर ये कितना हो गया अड़तालीस में से बीस बचा अड़तालीस चौबीस बचाना माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फोर्टी एट सर चलो प्लस फोर्टी एट हो गया ये कितना हो गया अठारह सोलह चौबीस माइनस एट माइनस ट्वेंटी फोर सर माइनस एट बचा माइनस ट्वेंटी फोर आठ दूनी सोलह और भारतीय छत्तीस अच्छा थर्टी सिक्स था यार वो थर्टी सिक्स था ना सॉरी 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 थर्टी सिक्स तो थर्टी सिक्स गया तो कितना बचा बीस बचा सर माइनस ट्वेंटी माइनस सिक्सटी हो जाएगा ये ये माइनस सिक्सटी कितना आया ये सर ये आया सर फिफ्टी फोर माइनस सिक्सटी सर माइनस सिक्स आ रहा है अच्छा अगर ये माइनस सिक्स आ रहा है तो अभी आपके पास अगर आपको आइडिया हो कि सर माइनस सिक्स आ रहा है तो सर ये कितना होगा डेल्टा वन की वैल्यू माइनस सिक्स है और डेल्टा की वैल्यू माइनस वन है तो सर आंसर सिक्स आएगा सर एक्स का इसको बोलते हैं एक्स का कैलकुलेशन ये देखो एक्स का, का कैलकुलेशन लेकिन इससे आसान तरीका अपना डी अपना ये है रोएकेलोन फॉर्म ये अपना स्टाइल है कि फटाफट एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हैं वेरी सिंपलेट वे द ये आप करते थे से डेल्टा टू तो अगर आप फाइंड आउट करें तो सेकंड वाला कॉलम इंटर चेंज होगा मतलब लेकिन छे आठ बारह से छह आठ बारह से चेंज हो गया थर्ड कॉलम नहीं वो चेंज नहीं होगा तीन चार तीन तीन चार और तीन हो गया अब इसका मेरे निकालना है मैं चाहू कि तुरंत सॉल्व करना है आपके पास तो जीरो कर ही लेता हूं क्योंकि वन है तो वन सिक्स थ्री है इसको जीरो कर लू हाँ जीरो कर लिया एट में से सिक्स गया दो हो गया चार में से तीन गया एक हो गया इसमें से क्या जीरो हो गया दो का मल्टीप्लाई किया तो बारह बारह में से बारह गया तो जीरो हो गया और दो तीन छ माइनस थ्री हो गया इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा वन और ये कितना आ रहा है आपके पास माइनस सिक्स माइनस सिक्स आ रहा है ये भी सिक्स था क्या आपके पास इस क्वेश्चन में हाँ ये भी सिक्स था सही है सही है वही मैं सोचा कि दोनों सिक्स आ गए तो सर फिर तो सर वाई की वैल्यू कितना होगा डेल्टा टू डिवाइड बाई डेल्टा डेल्टा टू की वैल्यू माइनस सिक्स और डिटर्मिनेट की वैल्यू माइनस वन है आंसर इज सिक्स तो सर तो फिर डेल्टा थ्री की वैल्यू भी निकाल लेते हैं डेल्टा थ्री की वैल्यू फर्स्ट वही रहेगा सेकेंड टू थ्री टू रहेगा टू थ्री टू और थर्ड चेंज हो गया छः आठ बारह से छः आठ बारह से चेंज हो गया इसकी वैल्यू सॉल्व करना है तो नंबर अच्छा है इसलिए फटाफट जीरो कर लेता हूँ जीरो थ्री में से टू गया वन आठ में से छः गया दो टू ये गया और ये कितना हो गया दो में से चार गया तो माइनस टू हो गया और ये बारह जीरो हो गया सॉल्व कर लेते भैया वन के साथ कितना आ रहा है वन इंटू जीरो जीरो प्लस फोर आ रहा है अच्छा है तो प्लस फोर आ गया तो फिर कितना आएगा जेड की वैल्यू सर डेल थ्री बाई डेल सर डेल थ्री कितना आया सर फोर डिटर्मिनेंट कितना था माइनस वन जेड के लिए माइनस फोर सर ले कुछ है नहीं आपको 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 थोड़ा मैथामेटिकली बड़ा अच्छा रहना है इट ऑलवेज गुड थिंग ये आप करते थे 11, 12 में थे के जो आपको गेट में भी आता है अब आप, आप सॉल्व कर सकते हो तो कुछ भी किया जा सकता है बट हमारा रोकेलोन फॉर्म इज वेरी वेरी पॉपुलर और बहुत ही इंटरेस्टिंग और एफिशिएंट मेथड आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो कुछ सेकंड्स के अंदर में ये क्लियर रहना चाहिए आपको और रूल क्रेमरसूल ओनली वैलिड फॉर द यूनिक सोल्यूशन यार जब आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे तभी तो करोगे क्रेमर सूल ओनली वैलिड फॉर यूनिक सोल्यूशन और किसी दूसरी जगह पर कैसे वैलिड हो जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो अगर इन्फाइनेट सोल्यूशन होना है तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा तो, तो वैसे ही इन्फानेट हो जाएगा एक्स वाई जेड की वैल्यू वो तो, तो पॉसिबल ही नहीं है तो दिस दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर अगर ये डिटर्मिनेंट आपके पास डिटर्मिनेट की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए ना तो दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर द यूनिक सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल थिंग जब कोई सॉल्यूशन निकालने को बोल रहा है तब की बात है कोई पूछ रहा होगा कि नहीं होगा थोड़ी क्रेमर शूल अप्लाई करेंगे पता करने के लिए पता करने के लिए क्रेमर शूल अप्लाई करेंगे तो हमारी जान चली जाएगी ओके हाँ यह दो हजार पांच आई डी बम्बे क्वेश्चन था इक्वेशन थ्री रियल वेरेबल एक्सन एक्सो एक्स एक एक थ्री थ्री इक्वेशन थ्री अनोन बड़ा कंफर्टेबल लोग रहते हैं और बोल रहा है कि क्या क्या होगा तो जैसे कोई पूछता है कि क्या क्या निकालना है और थ्री इक्वेशन थ्री अनोन है तो मैं इस तरीके से भी जा सकता हूं कि मैं तुरंत के तुरंत मैं एक का डिटर्मिनेट निकाल करके पता कर सकता हूँ कि एक का डिटर्मिनेंट अगर मैं फाइंड आउट कर लिया तुरंत के तुरंत और अगर वो जीरो आ गया तब तो मेरे को पता है कि दो ऑप्शन में मेरे को जाना पड़ेगा लेकिन अगर वो नॉट जीरो आया तो मैं बोल दूंगा यूनिक सॉल्यूशन होगा आपको अगर लास्ट क्लास का याद हो लास्ट क्लास का अगर आपको याद हो कि यार हम तो सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकालने के बाद ही हम बता सकते हैं क्या बता सकते हैं कि सर टू के साथ क्या आया है टू के साथ आया माइनस टू और ये आया ट्वेंटी ठीक है सर फिर प्लस वन हुआ फिर क्या है? ये कैंसिल ये कैंसिल थ्री के साथ कितना आया फाइव सर तो एट हो गया फिर कितना आया सर प्लस थ्री प्लस थ्री के साथ कितना आया ये कैंसिल माइनस ट्वेल्व और माइनस टू सर तो माइनस फोर्टीन कितना आ रहा था ये सर ये अठारह थर्टी सिक्स हुआ सर ठीक है ये कितना हुआ आठ और ये चौबीस चौदह था तो कितना हो रहा है सर फोर्टी टू सर छत्तीस और छ ये तो जीरो आ गया यस सर तो यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता सर

अब तो मेरे को पता चल चुका है कि की वैल्यू आपके पास है तो ये तो लीनियर डिपेंडेंट होंगे ही ये क्लियर है मेरे को तो माइनस वन है माइनस फोर है और ये वन है और ये थ्री ये इतना आपको दिखना चाहिए इतना दिख रहा है हमको यस सर अगर मैं बोल दूं कि R3 में R3 में आप क्या करो R3 थ्री माइनस टू आर वन प्लस आर टू कर दो एक मिनट चेक करना टू आर वन के तो कितना हो गया चार हो गया चार में से माइनस आर टू करना है हाँ चार माइनस आर टू आर टू मतलब थ्री तो कितना हो गया वन बचेगा और फिर माइनस वन था तो प्लस ऐड कर देना है प्लस कर देता हूं अब आ रहा है यस सर ये दो टू आर वन तो चार हुआ माइनस थ्री तो वन हुआ और माइनस वन में ऐड कर दिए तो जीरो आ गया इसमें सर टू आर वन तो माइनस टू और फिर ये माइनस कर दिए तो गबड़ हो रहा है क्या ऐसे मैं सोच रहा था कि टू आर वन किए तो कितना हो गया आपके पास छः छः में से पांच माइनस हुआ तो कितना हो गया आपके पास वन और वन और वन टू ऐसा हुआ टू आर वन किए तो चार चार माइनस थ्री किए तो वन और एड किए ठीक है।, है अच्छा कुछ गवर कर दिए क्या डिटरमिनेंट डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स चालीस अच्छा फोर्टी फोर था ना? अरे ये तो फोर्टी फोर था अभी देखो फोर्टी टू थोड़ी हुआ थर्टी सिक्स और चालीस फोर्टी फोर था ना आपको बताना चाहिए ना तो डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो फिर तो यूनिक सोल्यूशन हो गया फिर तो यूनिक सोल्यूशन हो गया ना वही मैं सोच रहा था अभी ये यूनिक सोल्यूशन तो आ नहीं रहा है तो फिर कैसे हो तो यूनिक सोल्यूशन आ गया तो तू आ रहा था डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉरी क्योंकि मैं अभी अभी ये सब करने वाला था अब मेरा तो ये पूरा जीरो बन नहीं रहा था मैं दोनों को ऑपरेट भी कर रहा था अब जीरो तो हो नहीं रहा था फिर मैं सोचा यार जीरो क्यों नहीं हो रहा जीरो तो होना चाहिए इसलिए फिर मुझे लगा ला कुछ तो गोबर तो नहीं हो गया करके ओके तो इसकी नीड नहीं थी इतना क्लियर तो नो सो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन था अब आप देखो आपके पास गेट 2008 का आपके पास क्वेश्चन क्या है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इक्वल टू वन टू फोर एक्स वन टू एक्स थ्री और देखो आपके पास अनन नोन यहाँ पे क्रिएटेड ये ए की वैल्यू है और बोला क्या गया यूनिक सॉल्यूशन आपको बता दिया गया कि यूनिक सोल्यूशन है तो ठीक है भाई यूनिक सोल्यूशन बता दिया गया तो डिटर्मिनेट की वैल्यू आपके पास जीरो के बराबर नहीं होगी द ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर ए और आर ओनली पॉसिबल वैल्यूज जब मेरे को पता है कि यूनिक सॉल्यूशन है और ए मेरे कोपिशेंट मैट्रिक्स का पार्ट है तो क्यों ना क्यों ना मैं इसमें चले जाऊं मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में ही चले जाऊं और मेरे को पता है कि ये जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे को क्लियर था वन वन टू को भी से मैट्रिक्स में चला गया वन टू थ्री और ये आ गया वन फोर और ए इतना आ रहा है आपके पास अगर मैं एलिमेंट्री ऑप्शन परफॉर्म कर लूँ वन वन टू ये जीरो कर लूँ और ये वन कर लूँ थ्री में से टू गया वन हो गया ये जीरो कर लूँ ये, लू। ये जीरो कर लिया मैं फोर में से वन गया थ्री आ गया और ये ए माइनस टू आ गया ये अब मेरे को पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जब मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं तो कितना आ गया सर ए माइनस टू माइनस थ्री सर ए माइनस फाइव आ रहा है डिटर्मनेट अब मेरे को पता है कि जब यूनिक सॉल्यूशन जब आप बोल दियो यूनिक सॉल्यूशन तो डिटर्मनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन सर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्यों नहीं बनाया इसलिए नहीं बनाया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसलिए नहीं बनाया बिकॉज जो मेरा जो मेरे को निकालना था तो कोविश मैट्रिक्स का पार्ट था

ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पूरा क्यों नहीं बनाया सर नहीं नीड नहीं है तो ये आपको स्मार्टनेस होना चाहिए पता चला आप बिना सोचे समझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हो और फिर सोचते हो चले यार रो एकेलॉन फॉर्म निकालेंगे क्योंकि हमको तो रो एकेलॉन फॉर्म आता है और अगर आप ऐसा करने चले गए तो भी आंसर आएगा आंसर का तो इस वही नहीं लेकिन टाइम कितना वेस्ट होगा जबकि आपको जरूरत नहीं थी रो एकेलॉन फॉर्म की आप एक ही डिटर्मिनेंट के साथ भी निकाल सकते थे दे इज नो नीड ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑपरेशन सिंपली सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन यस सर आ ये हजार आठ आई सी का क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है बोला एम ए स्क्र मैट्रिक से जीरो डिटरमिनेंट अच्छी बात है बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है कि एम आपके पास जो है डिटरमिनेंट जीरो है और एम एक्ट्रिक्सोइंग एसरस आर करेक्ट बोल रहा है कि इच रो ऑफ एम कैन बी रिप्रेजेंटेड एस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो अच्छा ट जीरो है। है तो तो गलत है यार। अच्छा, तो तो सही है आपके पास अब एस वन और एस टू में क्या लिखा है कि जो भी रो होगा वो रिप्रेजेंटेड एस ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रो इसी को डिपेंडेंसी बोलते हैं हम लोग और आपको पता है कि जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट रोस इक्वल टू नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट कॉलम्स होंगे और नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज इक्वल टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट कॉलम्स होंगे इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ही चाहे वो रोज की बात करे जाए चाहे कॉलम्स की बात किया जाए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हर एक रो को हम दूसरे के फॉर्म में लिख सकते तभी तो डिटर्मिनेंट जीरो आएगा या कॉलम को भी लिख सकते बिकॉज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इक्वल टू इंडिपेंडेंट कॉलम एज वेल एज नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोस इक्वल टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट कॉलम बिकॉज एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है फोर्थ वाला गलत है तो हमको क्लियर रहना चाहिए कि जब आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है इसका तो क्लियर ही मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोस इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स बिल्कुल सही फिर नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोस इक्वल टू नंबर ऑफ डिपेंडेंट कॉलम बिल्कुल ऐसा होगा ये क्लियर है ना चाहिए आपको एकदम ये सब बातें ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो हो गई जब आप बोल दे रहे हो कि डिपेंडेंट रोस है और जब डिपेंडेंट रोस बोल दे रहे हो तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन द लीनियर कॉम्बिनेशन इन रोस हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन इन कॉलम इन कॉलम्स ये तो होगा हो ही ये तो सिंपल डिटरमिनेंट के बारे में ही द वेरी बेसिक और फोर्थ में तो इनवर्स हो नहीं सकता क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है 2008 का आपके पास वन टू थ्री एस वन एस टू एस थ्री डी आंसर करेक्ट ओके एलयूडी कंपोजिशन पे आ गया मैं एलयूडी कंपोजिशन हाँ पिछले कुछ लेक्चर की आपके पास नहीं मिल रही है इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो फिर आप कभी पढ़ते हो कभी नहीं पढ़ते हो मतलब ऐसा लगता है ना कि मेरी मेरी रिस्पांसिबिलिटी है करके मैं तो अपने इंटरेस्ट से पढ़ा रहा हूँ कि मेरे को मजा आ रहा है मेरी रिस्पॉसिबिलिटी तो है नहीं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी मेरी ठीक है तो आप पढ़ते नहीं हो आपको पी डी एफ चाहिए रहता है तो फिर क्या है हाँ एल यू डी कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं एल यू डी कंपोजिशन के बारे में कितने लोग जानते हैं कि एल यू डी कंपोजिशन कुछ होता है या ये जानते हैं कि एल यू डी कम्पोजिशन में बेस गेट में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं एल यू डी के बारे में कितना आइडिया रखते हैं आप लोग यस सर आइडिया है सर हम स्टडी भी किए हैं सर या दूसरा आंसर होगा कि नहीं सर हमको आइडिया भी नहीं है सर और हमको पता भी नहीं कि गेट में आता है सर ऐसा कोई भी डिकम्पोजिशन दो में से कोई ना कोई चीज़ होगी ठीक है दो में से कोई ना कोई चीज़ तो होगी तो आपको बताना कि यस सर सुने तो है सर पढ़ते भी हम लोग सर क्या बोलते हो आप कुछ भी आइडिया आपको एल यू का एलयूडी कंपोजिशन का कोई भी आइडिया आपको प्रणव सावंत बोल रहा है नो आइडिया सर तो प्रणव तुम सुने का भी गेट में आता है एलईडी कंपोजिशन का क्वेश्चन ऐसा सुने हो कि नहीं सुने हो ऐसा पूछ रहा हूं या बाकी लोगों को किसी को आइडिया किसी को आइडिया तो बोला भी सकता है सर योगेश शर्मा बोल रहा है नो आइडिया सर ठीक है हुँ. अब नो no आइडिया है तो फिर ये जरूरी होना चाहिए कि इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए गेट में अगर आप नहीं सुने हो तो इसका क्वेश्चन नहीं आना चाहिए गेट में इतनी तो बात हुई ना अगर एलयूडी कंपोजिशन नहीं आता तो इट्स ओके कोई सुनिए लेकिन फिर आई वाले भी नहीं पूछना चाहिए लेकिन अगर आई वाले क्वेश्चन पूछ रहे और आपको नहीं आता है तो फिर क्यों नहीं आता है ये क्वेश्चन तो एक वैलिड क्वेश्चन हुआ ये क्वेश्चन तो एक वैलिड क्वेश्चन हुआ ठीक है बट यही यही प्रॉब्लम मैं से पूरा मैथ्स पढ़ते पढ़ते तक बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाएगी जो आप नहीं देखे होंगे अच्छा एलयूडी कंपोजिशन जो होता है आपके पास एल और यू एल पता है

अच्छा लोअर और अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का आपको इशू नहीं है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आप जानते हो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ट्रेंगल बनना डायगोनल के नीचे और अपर ट्रेंगुलर का मतलब होता है डायगोनल के ऊपर बनना ट्रेंगल का ठीक है सपोज करो सपोज करो देखिएगा ध्यान से अगर ए आपके पास एक थ्री क्रॉस थ्री का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यस yes, सर अब आपके पास एल भी होगा थ्री क्रॉस थ्री का एक लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स देखो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बना दिया देखो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा क्या कि रेट ट्रैगल बन रहा है सर वही तो बोल रहा हूँ ऊपर तो के पूरे एलिमेंट जीरो देखो यू आपके पास एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है तो यू आपके पास एक अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है थ्री क्रॉस थ्री का बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ इस ए को तो एल यू के फॉर्म में लिख दिया गया एल इंटू यू देख रहे हो आपके एल इंट यू इज द मैट्रिक्स यस सर एक लोअर मैट्रिक्स मैट्रिक्स एक दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओके, गुड थिंग ऑलवेज, जैसे आप देख पा रहे तो सर ऐसे तो टू क्रॉस टू को भी लिख सकते हैं है है आपके पास और फिर बाद में अपर लिखना है इसलिए एलयू बोलते हैं नॉट यू एल इज द एल यू लोअर मैट्रिक्स तो दो टू क्रॉस टू हो या थ्री क्रॉस थ्री हो लिखा हुआ आपके पास क्योंकि आप मैट्रिक्स जानते हैं इसलिए ज़्यादा इशू नहीं होता है लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स जानते हैं कि डायगोनल के नीचे ट्रेंगल बनता है डायगोनल को मिला के यहाँ पर डायगोनल को मिला के अपर में ट्रेंगल बनता है इसके लोअर एलिमेंट जीरो होते हैं इसका अपर एलिमेंट जीरो होते हैं यस ऑलरेडी वी नो दैट ऐसा करके हम फॉर्म करते हैं तो ये तो कंसेप्ट हो गया तो कंसेप्ट ज्यादा टफ नहीं हुआ

और एलयूडी कंपोजिशन मे नॉट बी पॉसिबल वेन द मैट्रिक्स एज सिंगुलर अगर मैट्रिक्स ए सिंगुलर है इसका ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो फिर यह तो एलयूडी कंपोजिशन पॉसिबल नहीं है उसके इस एल यू डिकम्पोजिशन में नॉट भी पॉसिबल लिए बहुत जरूरी है कि स्क्वेयर मैट्रिक्स हो और वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो ये बहुत ज़रूरी है उसी को हम फेक्ट्राइजेशन फॉर्म में कर सकते हैं उसी को हम किस में लिख सकते हैं फैक्ट्राइजेशन फॉर्म में और इसी को हम डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं अगर आपको याद होगा तो डिकम्पोजिशन हम कहाँ पढ़ते हैं स्टेट स्पेश अनालिस कंट्रोल सिस्टम का जो लास्ट चैप्टर होता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के हम डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं डायरेक्ट डिकम्पोजिशन पढ़ते नहीं कास्केट डिकम्पोजिशन पढ़ते पैरल डिकम्पोजिशन पढ़ते अगर आपको याद हो तो वो कंट्रोल सिस्टम की बात है डीकम्पोजिशन तो वहां पे भी हम तरीका वैसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक मैट्रिक्स का डिकम्पोजिशन एल और यू के फॉर्म में और मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो सिंगुलर अगर होगा तो डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है तो नॉन सिंगुलर होना जरूरी है और एफिशियंट तरीका होता है एल यू फॉर्म करने का ठीक है भैया बता दिए अब फाइंड द एल यू डिकम्पोजिशन मैट्रिक्स ए ऐसा लिखा आपके पास कि एल यू डी आपको फाइंड आउट करना बड़ा ध्यान से देखना आप जो जो मैं बोलूंगा ठीक है सर तो एक्वल टू एल यू लिख लेते हैं सर अपन देखो तो एल यू लिख लेते तो एल वन वन जीरो एल यू लिखता हूं पहले फिर तो बाद में लिखता हूं तो सर एल टू क्रॉस टू हा और यू टू क्रॉस टू बिल्कुल सही बिल्कुल सही बोल रहा हूं क्या हो गया भैया एल इलेवन हाँ ट्वेल्व तो जीरो तभी तो लोअर ट्रेंग्लो बनेगा एल ट्वेंटी वन और एल ट्वेंटी टू इसी को बोलते हैं लोअर मैट्रिक्स अपर ट्रेंगोलो मैट्रिक्स सर यू इलेवन हा यू uh, ट्वेल्व सही ट्वेंटी वन जीरो और यू ट्वेंटी टू टू क्रॉस टू तो एक आसान सा मैट्रिक्स होता है बिल्कुल सर ये अगर मैं आपको बोलूं क्या अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो ये मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू कितना है सेवन फोर थ्री फाइव ठीक है सर अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करूँगा तो क्या आएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम सर एल वन वन यू वन वन आएगा बिल्कुल सही है फर्स्ट और सेकेंड कॉलम सर एल वन वन और यू वन टू आएगा ये भी सही सर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सर एल टू वन आएगा और यू वन वन बिल्कुल और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सर एल टू वन यू वन टू हाँ प्लस एल टू टू यू टू टू एल टू टू यू टू टू आ गया सर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अब ये सेवन के बराबर है अब अननोन बहुत सारे हैं क्या अननोन है मेरे पास अननोन जो है वो छः है लोअर ट्रेंगुलर में तीन अपर ट्रेंगुलर में तीन टोटल छः एलिमेंट है और मैं अगर देखने जाऊँ तो मैं चार ही नंबर कंपेयर कर सकता हूँ अगर मैं बोलूँ कि आपको यार सॉल्व करना है तो देखो सेवन किसके बराबर, बराबर, किस बराबर है तो आप बोलोगे सर सेवन जो है ना सर वो एल वन वन और यू वन वन के बराबर है बिल्कुल सही फिर मैं बोलूँ फोर किसके बराबर है तो फोर एल वन टू और यू वन टू के बराबर है फिर फिर थ्री किसके बराबर है बोले सर थ्री सर एल टू वन और यू वन वन के बराबर है अच्छा फिर सर लास्ट नंबर फाइव है और फाइव है एल टू वन यू वन टू प्लस एल टू टू और यू टू टू बताओ जरे यार ये, ये वैल्यू बताओ लोअर टेंगुलर की और अपर टेंगुलर की सर ये तो बहुत टफ हो जाएगा सर ये कैसे बता पाएंगे आपके पास अननोन छः है सर आपके पास चार ही टर्म कंपेयर कर रहे हैं कैसे बताएंगे यही तो बात है तो यहां पे आपके पास थॉट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट नाउ थॉट प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट अच्छा आपको इंटरेस्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि गेट में आई टी वाले प्रोफेसर क्या पूछे उसके बिना तो आपके लिए कोई नॉलेज की चीज ज्यादा मैटर करती नहीं और मैं नॉलेज वाला पॉइंट पर अभी जा भी नहीं रहा नॉलेज वाले पॉइंट पर जाऊँगा तो मैथ्स कभी खत्म नहीं होगा मतलब अगर मैं सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ यू की बात करूँ तो मैथ्स एक दो साल तक पढ़ाया जा सकता है

सेवन फोर थ्री फाइव है सर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, है, ठीक है। क्या है सेवन फोर थ्री फाइव है अब सोचते थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो सोच लेते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या होगा थॉट प्रोसेस क्या है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या है सर ए मैट्रिक्स है सर सेवन फोर थ्री फाइव सेवन फोर थ्री फाइव ओके सही है इधर सेवन फोर थ्री फाइव ए मैट्रिक्स है ठीक है अब मेरे को बताओ कि मेरे को ना अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनाना है अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनाना है मेरे को अपर ट्रेंगुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये सर अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बना लेते सर बना ले अपर ट्रेंगुलर सर यू बनाना है मेरे को सर यू जब मेरे को यू बनाना तो मेरे को पता है यार कि इसको ज़ीरो करना है अगर मेरे को यू बनाना है तो मेरे को पता है कि ये जो एलिमेंट्स होना चाहिए जीरो होना चाहिए अब ये एलिमेंट जीरो बनाने के लिए मेरे को बताओ कि दो स्टूडेंट एक एस वन और एक एस टू ठीक है एस वन स्टूडेंट बोल रहा है कि सर मेरे को जीरो बनाना है इसको और एस टू बोल रहा है मेरे को भी जीरो बनाना है एस वन क्या कर रहा है बता देता हूँ एस वन कर रहा है कि सर आर टू में मैं क्या करता हूँ सर सेवन आर टू करता हूँ हाँ और माइनस थ्री आर वन करता हूँ ये आर टू बोल रहा है कि सेवन आर टू करता हूँ सर माइनस थ्री आर वन करता हूँ अच्छा ये जो एस वन के बारे में बात चालू हुई है और ये अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनाना चाहता है तो सेवन रो सेवन फोर तो वही है सर अगर सेवन का मल्टीप्लाई किया आटू में तो इक्कीस हो गया और थ्री का मल्टीप्लाई किया तो इक्कीस मायने से इक्कीस जीरो हो गया सर बिल्कुल सर सेवन का मल्टीप्लाई किया इसमें तो पैंतीस हो गया और तीन का मल्टीप्लाई किया तो बारह हो गया पैंतीस में से बारह गया तो कितना हो गया तेविस सर तो ये ये अपर ट्रेंगोरा मैट्रिक्स बनाया एस वन स्टूडेंट एस वन स्टूडेंट बोला कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनाना है इस एलिमेंट को जीरो करना है इसमें कुछ नहीं एस टू स्टूडेंट को भी जीरो करना था एस टू स्टूडेंट क्या किया बोला कि अच्छा आर टू में से मेरे को जीरो करना है तो मैं आर टू में से आर वन को माइनस करने वाला हूँ तो क्यों ना मैं माइनस थ्री बाई सेवन आर वन कर दूँ थ्री बाई सेवन आर वन कर दो अच्छा उससे क्या होगा उससे भी यार उससे भी अभी ये एस टू स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है तो वो यू ये बनाया क्या बनाया कि सेवन फोर तो वही था ठीक है जब मैं माइनस थ्री बाई सेवन किया तो सेवन कैंसिल आउट हो गया माइनस थ्री और एड कर दिए आपके पास तो जीरो आ गया लेकिन जब मैं यहाँ पर गया आर टू में तो फाइव माइनस थ्री ट्वेल्व बाई सेवन किया मैं तो फाइव माइनस क्या थ्री बाई सेवन किया तो कितना आ गया ट्वेल्व बाई सेवन तो थर्टी फाइव गया तो ट्वेंटी थ्री बाई सेवन आ रहा है ये कैलकुलेशन तो मेरा नंबर यहां पे आया ट्वेंटी थ्री बाई सेवन अब आप किसके साथ जाना चाहोगे एस वन स्टूडेंट के साथ कि एस टू स्टूडेंट के साथ दो स्टूडेंट के थॉट है दोनों ही अपर टेंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है आप किसके साथ जाना चाहोगे हो सकता है आप बोलोगे सर एस वन आप बोलोग एस टू हो सकता है कुछ लोग बोले कि सर इधर एस वन और एस टू सर किसी के साथ भी जा सकते हैं क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो बताओ क्या सोचते हो आप तो आपकी सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोच रहे हो आपके तीन ही आंसर हो सकते हैं या तो आप एस वन बोलोगे या तो एस डू बोल एस टू बोलोगे या तो इधर एस वन और एस टू तीन ही आंसर में से आपका कोई आंसर होगा लेकिन ये बड़ा क्लियर है कि जब आप एस वन बोल रहे हो तो वाई नॉट एस टू जब एस टू बोल रहे हो तो वाई नॉट एस वन और अगर आपको क्लियर है कि सर दोनों में से कुछ भी कर लो तो सोचना पड़ेगा आप जो बोल रहे हो उसका क्या मतलब है क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो अगर मैं आपको बोलूं क्या बोलूं अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये रॉन्ग है स्टूडेंट वन तो आपको थोड़ा धक्का लग सकता है क्यों रॉन्ग है आपके पास रॉन्ग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रॉन्ग एलिमेंट्री ऑपरेशन पता एलिमेंट्री ऑपरेशन ही रॉन्ग है जब एक मैट्रिक्स से हम फॉर्म करते थे द रॉन्ग एलिमेंट्री ऑपरेशन है हम रैंक जब फाइंड आउट करते तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैं अगर बोलूं कि इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स और उस का आपके पास सेम होगा कि नहीं होगा द सेवन आर टू सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन में जब आप बोलते हो ना कि आप कुछ भी आपको करना है जब आप बोलते हो कि यार आप एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप सुनते हो तो आप बोलते हो कि अगर मेरे को आर आई में कुछ करना है तो आर आई प्लस के आर जे ये कुछ भी कर सकते हो दिस इज द करेक्ट फॉर्म लेकिन आप आर आई में ही मल्टीप्लाई कर दोगे उसी रो के साथ मल्टीप्लाई कर आर टू में सेवन आर टू कर दिया फिर माइनस रॉन्ग एलिमेंट्री ऑपरेशन ये नॉर्मल मैथ्स में आपके पास हम अप्लाई नहीं करते रैंक में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रैंक में सब कुछ चलता है मतलब ये ऑपरेशन रैंक में अगर मैं ये और ये दोनों कर दूं तो इससे रैंक में कोई लेना देना नहीं होता है अगर मैं रैंक कैलकुलेट कर रहा हूं तो बोथ आर करेक्ट अगर मैं रैंक कैलकुलेट कर रहा हूँ बहुत आर करेक्ट डिटमिनेट फाइंड आउट कर रहा हूँ फर्स्ट वन इज रॉन्ग सेकंड वन इज करेक्ट अगर मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन करके एक नया मैट्रिक्स बना रहा हूँ अगर एक ए मैट्रिक्स से मैं अपर ट्रेंगुलर बनाने का प्लान किया क्यों तो एस वन इज रॉन्ग एस टू इज करेक्ट अगर मैं रैंक निकालने वाला होता तो सर बोथ आर करेक्ट बोथ आर करेक्ट डिटर्मिनेंट में एस टू इज करेक्ट क्लियर होना चाहिए कुछ बातें बट ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि यार अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में निकाल लिया ए मैट्रिक्स था मेरे पास अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स में निकाल लिया क्या निकला मेरे पास अपर टोला मैट्रिक्स हम बोल रहे थे कि ए इक्वल टू ए टू क्रॉस टू था ए इक्वल टू एल यू लिखो करके एल यू लिखो टू क्रॉस टू का और यू भी लिखो अभी हम क्या किए अब बोले कि आप देखो ए मैट्रिक्स तो ये है क्या है भाई ए मैट्रिक्स सर सेवन फोर थ्री फाइव सेवन फोर थ्री फाइव ये है एल मैट्रिक्स में को पता नहीं सर ठीक है भैया यू मैट्रिक्स में पता कर लिया सर क्या था सर सेवन फोर सेवन फोर जीरो ट्वेंटी थ्री बाई सेवन ये मैं यू पता कर लिया अब मेरे को एल निकालना है तो मैं क्या करूँ सर एल निकालना है तो सर पोस्ट मल्टीपिकेशन कर सकते हैं सर किसका पोस्ट मल्टीपिकेशन कर सकते हैं सर देखो सर ये ए है इसमें अगर मैं यू इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ और ये एल है और ये यू है इसमें यू इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ सर तो क्या होगा सर ये सर मल्टीप्लाई होके आई बना लेगा सर तो राइट साइड में सिर्फ एल मैट्रिक्स बचेगा सर बट लेफ्ट में क्या बचा ए मैट्रिक्स इंटू यू का इनवर्स इसको बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनवर्स यू था राइट right साइड में उसी का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में तो आई मैट्रिक्स बन गया तो अब एल मैट्रिक्स निकाला जा सकता है ए इंटू यू के इनवर्स से लेकिन सर ए इ के इनवर्स से अगर मैं निकालने गया तो क्या होगा अच्छा पहले मेरे को दिख जाए कि यू क्या था अच्छा यू क्या था सर टू क्रॉस टू सेवन फोर जीरो सेवन फोर जीरो ट्वेंटी थ्री बाई सेवन ठीक है ओके पता है आपके पास अगर मैं यू का इनवर्स निकाल रहा हूँ तो क्या होगा सर देखो यू का इन्वर्स अगर आप फाइंड आउट कर रहे तो एट ज्वाइंट ऑफ यू एट ज्वाइंट ऑफ यू डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ यू नहीं एट ज्वाइंट क्या होगा सर डिटर्मिनेट कितना होगा ट्वेंटी थ्री डिटर्मिनट ट्वेंटी थ्री होगा और एट जॉइंट क्या होगा सर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज ट्वेंटी थ्री बाई सेवन और ये सेवन आ जाएगा ठीक है हाँ और ये माइनस फोर हो जाएगा और ये जीरो ही रहेगा ठीक है क्या गया आ गया u का इनवर्स u का इनवर्स आ गया तेईस से डिवाइड किए तो वन बाई सेवन आ गया पहला नंबर दूसरा नंबर कितना आ गया माइनस फोर बाई ट्वेंटी थ्री थर्ड नंबर जीरो लास्ट नंबर सेवन बाई ट्वेंटी थ्री ये यू का इनवर्स आ गया बट मेरे को तो ए इंटू यू इनिवर्स निकालना है ए इंटू यू इनिवर्स हाँ वही तो एल के बराबर होगा बिल्कुल सही क्या है ए ए है सर सेवन फोर थ्री फाइव सेवन फोर थ्री फाइव और यू इनवर्स कितना है ये है 7, 23, 0 7, 7, तो वन बाई सेवन माइनस फोर बाय ट्वेंटी थ्री जीरो सेवन बाई ट्वेंटी थ्री देखते जरा ध्यान से अपन सेवन फोर का मल्टीप्लाई किए तो सेवन मल्टीप्लाई बिल्कुल सही सेवन फोर का मल्टीप्लाई इसमें अगर कर रहे तो कितना आ गया माइनस ट्वेंटी एट बाई ट्वेंटी थ्री और ये ट्वेंटी एट देखो जरा ध्यान से सही तो जीरो आ रहा है बिल्कुल सही थ्री का मल्टीप्लाई किया थ्री बाई सेवन सही थ्री बाय सेवन आ रहा है ये थ्री बाय सेवन इसका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया माइनस ट्वेल्व बाई ट्वेंटी थ्री और ये कितना था थर्टी फाइव थर्टी फाइव और माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी थ्री बाई ट्वेंटी थ्री सर ये वन आ रहा है बना कि नहीं बना देखो ध्यान से एक लोअर ट्रेंगोला मैट्रिक्स बना बन गया सर तो मस्त है एकदम लोअर मैट्रिक्स बन गया और इसके डायगोनल के एलिमेंट्स वन है जब भी आप अपर ट्रेंगुलर से जब लोअर ट्रेंगुलर में जाएंगे तो एक और चीज़ है कि आपको लोअर ट्रेंगुलर में फिर डायगोनल एलिमेंट ऐसे वन मिलेंगे तो सर तरीका तो चेंज भी किया जा सकता था पहले लोअर बनाता फिर मैं अपर निकालता आप अपर निकाल के लोअर निकाले हाँ बिल्कुल तो ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास यस सर वन, वन। अभी, सर, ये बात तो जस्टिफाई अभी तो आप किए नहीं क्या जस्टिफाई नहीं किया कि सर सर, देखिए आप निकाले हो एल हाँ आप बोलते ना कि एल यू जो होगा वो एक बराबर होता है एल क्या निकाले आप एल निकाला यार मैं वन जीरो थ्री बाई सेवन और वन ठीक है यू कितना था हमारा यू था सेवन फोर सेवन फोर जीरो बाई सेवन ठीक है चलो देखते अभी अपन अगर एल और यू इधर एल जब आप बोल रहे हो तो सच में है लोअर ट्रेंगुलर हाँ सर सच में है लोअर ट्रेंगुलर और जब यू बोल रहे हो तो सच में यू बोल रहे हो तो सच में अपर ट्रेंगुलर यस अब अगर मैं बोलूंगी ठीक है इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम करेंगे कितना करेंगे? आएगा सेवन फर्स्ट और सेकंड कॉलम करेंगे फोर आएगा सेकंड और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो सात कैंसिल आउट हो जाएगा थ्री आ जाएगा सेकंड और सेकंड कॉलम करेंगे तो कितना आएगा सर बारह बटे सात हाँ और प्लस सर ट्वेंटी थ्री बाई सेवन सर पता कितना हुआ है सर पैंतीस बटे सात पाँच आ रहा है सर तो ए मैट्रिक्स यही तो था यार सात चार तीन पाँच देखो ए मैट्रिक्स आ गया गुड कंसेप्ट गुड कंसेप्ट है सर आगे सात चार तीन पाँच देखो जरा ध्यान से क्या किया अपन सर हम ये किए कि सर ए इक्वल टू एल यू था यू मेरे को पता था मैं दोनों साइड यू के इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया सर दोनों साइड राइट हैंड साइड में तो वो आई बन गया और एल बच गया राइट में और ये बच गया ए इंटू यू यूनिवर्स एल की वैल्यू आपके पास होगी ए इंटू यू तो अगर अगर आप अपर मैट्रिक्स बनाना चाहते हो और फिर लोअर मैट्रिक्स ऐसा निकालना चाहते हो तो दिस डांस सर तो बहुत ही सही था सर हाँ अब देखना पड़ेगा कि सामने वाला क्या पूछता है ये तो मैं आपको एक मस्त कंसेप्ट बताया ठीक है सॉल्व तो मैं कर दिया अगर मैं बात करूं कि देखो थ्री क्रॉस थ्री आपके पास ऐसे एलिमेंट्स अगर लिखे हो तो देख रहे आपके पास ये कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन थ्री वेरिएबल थ्री वेरिएबल में और भी ज्यादा टफ दिखेगा ठीक है तो ये आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस है कि मैं ऐसे फाइंड आउट कर सकता हूँ कभी कभी कुछ लोग क्या करते पता है कुछ लोग ना आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं कुछ लोग आपको ऐसी वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं कि देखो एल में देखो आपके पास देखो ट्रिपल वन दे दिया गया ये देखो वैल्यू एक्चुअली बहुत सारी जगह पे तो उनको बहुत सारी जगह पे तो उनको खुद को क्लियर नहीं है जो लोग इस टॉपिक के बारे में लिखे उनकी बात कर रहा हो पढ़ाने वाले की बात नहीं कर रहा वो लोग तो ये टॉपिक पढ़ाते नहीं बहुत सिंपल है लेकिन पढ़ाते नहीं कुछ लोग आपके पास बोलते हैं कि ये डायगोनल आएगा उनको खुद नहीं पता बहुत सारी मैं टेक्स्ट बुक जब एनालिसिस कर रहा तो कुछ लोग बोलते हैं कि डायगोनल आपके पास में वन 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 आएगा ये हमारा आता है हम जब निकाल रहे थे तो आया था आपके पास अगर मैं इसको फॉर्म करूं तो ऐसा करके लिखा हुआ आपके पास कि ऐसा अगर मैं लिख दू तो एल डिफाइन कर दिए वो कि एल ये है यू डिफाइन कर दिए क्योंकि नंबर आप अनोन बहुत ज्यादा होंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा तो कई लोग लोअर मैट्रिक्स में ना डायगोनल एलिमेंट्स को पूरा वन वन कर देते और बोलते कि आप सॉल्व करो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है ये तो ये आपके पास है ए है एक्स है बी है और आपके पास अगर ए इक्वल टू एल यू अगर मैं लिख रहा हूँ लोअर और अपर और ऊपर उसमें भी लोअर ट्रेंगुल मैट्रिक्स में डायगोनल को वन ले लिया तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो गए उसके अंदर के जो अन है फिर एक् ए एक्स इक्वल टू बी होता है एक ही जगह एल यू होता है एल यू एक्स आपके पास लक्स इक्वल टू बी आ गया इसको देखना है बस नोट नहीं करना आपके पास इस इस वाले को जो अभी मैं बोल रहा हूँ तुरंत ये 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 वाला तरीका अब यू एक्स इक्वल टू वाई आ गया आपके पास ये यू एक्स इक्वल टू अगर मैं बोल दूँ कि यू एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दे रहा हूँ मगर यू एक्स इक्वल टू वाई मैं बोल दे रहा हूँ तो एल वाई इक्वल टू बी आ गया अब ये आपके पास इससे y1, y2, y3 निकल जाएगा और y अगर आपके पास निकल गया तो फिर ux एक्स इक्वल टू वाई बोल दोगे और फिर उससे आप x1, x2, x3 फाइंड आउट कर लोगे इस मेथड को बोलते हैं ट्रेंगुलाइजेशन इस मेथड से जब आप x1, x2, x2, x3 निकालते हैं तो बोला जाता है कि मेथड बड़ा एफिशियंट होता है लेकिन नॉर्मल पेन पेपर से लिखने में बड़ा टफ लगेगा नॉर्मल पेन पेपर से लिखने में बहुत ही टफ लगेगा लेकिन बोला जाता है मतलब तो क्योंकि हम जब सिस्टम के थ्रू निकालते हैं अभी पेन पेपर तो हमारा मैनुअल हो गया जब हम सिस्टम के थ्रू निकालते हैं तो ये बहुत ही एफिशिएंट माना जाता है ठीक है अभी हम एफिशिएंसी में नहीं जा रहे बट फिर भी अभी आपको टफ लगेगा कि यार एक्स वन एक्स टू एक्स री तो हमको वैसे भी निकालना आता है ड्री क्रेमर रूल से निकालना आता है रो रोएकलॉन फॉर्म से निकालना आता है ये भी एक तरीका हो गया तो नीड नहीं हमको एक तरीके की जैसे मेरे पास सॉल्व करना है आपके पास अगेन ध्यान सुनना मेरे पास तीन इक्वेशन है और मेरे को बोला जा रहा है कि यार एल यू डी कंपोजिशन से इसको सॉल्व करो एल यू डी कंपोजिशन से सॉल्व करो अच्छा हमारे लिए फोर्स नहीं हो सकता एल यू डी कंपोजिशन मैथड से एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री को निकालना फोर्स नहीं हो सकता क्यों फोर्स नहीं, नहीं हो सकता क्योंकि मैं एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर लिख रहा हूँ अगर मैं कन्वेंसनल पेपर लिखता तो फिर मेरे को कोई बोलता है एलयूड कंपोजिशन से सॉल्व करके बताओ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो फिर में को यही तरीका करना पड़ता है बट क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी आपको दिखेगा कि आई टी के प्रोफेसर क्या पूछते हैं तो मैं बोल रहा हूं अगर निकालना होता तो क्या होता एक्स इक्वल टू बी है सॉल्ट एग्जाम्पल में लिया फिर बताने पहला स्टेप ये होता कि ये L होता ये ये है और एल के एलिमेंट को सब वन वन मान लिए हम लोग कैसे आया था बताया मैं लेकिन एक टेक्स बुक के अकॉर्डिंग बता रहा है जिस टेक्स्ट बुक से सॉल्यूशन लिया गया मतलब सॉल्व एग्जांपल ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट ये एल हो गया ये यू हो गया और ये एलिमेंट्स हो गया आपके पास इसको देखो सॉल्व किया गया ये देखो सॉल्व किया गया जब इसको हम सॉल्व किए तो आपके पास एलिमेंट्स की वैल्यू आना चालू करके क्योंकि डायगोनल एलिमेंट थे तो वैल्यू जब हम सेट करना चालू किए तो फिर ये यू वन यू वन टू यू वन थ्री ये सब वैल्यू मिलना चालू हो गए ये देखो वैल्यू मिलना चालू हो गए यस सर जी वैल्यू मिलना चालू हो गई और जब वैल्यू मिलना चालू होगी तो पूरी की पूरी हम अब इतना कैलकुलेशन यार नंबर में पहले तो आपके पास कितने कैलकुलेशन में नंबर थे पहले तो आपके पास ये ती, ये तीन था और ये तीन छः थे और इसमें भी आपके पास सिर्फ तीन था तो ही बचा बाकी तीन तो पता है तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा आपके पास लेकिन पता चल गया सबकी वैल्यूज ठीक है अब होता क्या है कि लक्स इक्वल टू वी लिए यू एक्स इक्वल टू वाई लिए तो ये सोल्यूशन निकालना चालू कर दिए कि भाई ये हमारे पास था ये यू था ये आपके पास जैसे मैं यू एक्स इक्वल टू वाई माना तो यू एक्स इक्वल टू जैसे मैं वाई माना तो देखो आपके पास ये सोल्यूशन है वाई की वैल्यू आ गई फिर जब y की वैल्यू आ गई तो इसको पुट किया हम लोग इसमें यू एक्स इक्वल टू वाई में अब इस y की वैल्यू जो वन टू सिक्स आया इससे फिर मैं x की वैल्यू निकालूंगा और x की तीन वैल्यू आ गई एक आ गया टू एक आ गया माइनस सेवन और एक आ गया सिक्स ऐसे करके मैं तीन सॉल्यूशन निकाल लिया तो ये तरीका होता है आपके पास कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू निकालने का इसको बोलते हैं एल यू डिकम्पोजिशन या ट्रेंगुलजेशन से सॉल्व करना बट हम क्यों करेंगे अच्छा मैं सॉल्व एक्जाम्पल तो इसलिए दे दिया कि आपको सॉल्व नहीं करना है जस्ट मैं बता दिया कि आपको क्या पता होना चाहिए गेट का पेपर देने वाले तो मेरे को पता होना चाहिए कि एल में आपके पास ये वन वन कहाँ से आया था नहीं तो किसी को पता नहीं चल पाएगा अभी तो मैं बताया आपको कैसे आया था करके ठीक है कैलकुलेशन के लिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कैलकुलेशन के लिए क्या मेरे को इसकी जरूरत है नहीं इसकी जरूरत नहीं है मेरे को किसकी जरूरत नहीं है कि मैं ये पूरा तरीका सोल्व कर लू पहले वाई निकालू वाई से एक्स निकालू और बोलू कि इतना सोल्यूशन है मैं चाहता तो वैसे ही सोल्व कर सकता था क्या इक्वेशन थी भैया इक्वेशन क्या थी मेरे पास इक्वेशन ये थी सर क्या इक्वेशन थी इक्वेशन ये थी मेरे पास क्वेश्चन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू यही क्वेश्चन था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री यस सर यही क्वेश्चन थी तो यही पे मैं एक पेज एक्स्ट्रा क्लियर अगर क्रिएट कर लूँ कि सर यही पे अगर मेरे को निकालना है और डी कम्पोजिशन मैथड से तो मैं डी क्रेमर रूल से भी निकाल सकता है क्योंकि मुझे सोल्यूशन निकालना है तो वन 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 हमारे पास इक्वेशन है तो अगर मैं बोलूँ कि देखो आपके पास क्या हो गया ये अगर मैं बोल दूँ कि अगर मैं रो एकेलॉन फॉर्म अगर यूज कर रहा हूँ सोल्यूशन देखो कितने फास्ट आ जाता है वन 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 ये वन है थ्री वन माइनस थ्री ये फाइव है ये कितना है वन माइनस टू और माइनस फाइव और ये दस है। अगर मैं एलिमेंट्री ऑप्शन अप्लाई करूंगा तो थ्री को निपटा दूंगा वन को निपटा दूंगा तो एलिमेंट्री ऑप्शन अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो गया भैया सर वन 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 और ये वन था सर थ्री निपटाया तो कितना हो गया जीरो थ्री का मल्टीप्लाई किया वन माइनस थ्री किया तो कितना हो गया माइनस टू फिर थ्री का मल्टीप्लाई किया तो थ्री हो गया सर माइनस थ्री में से माइनस थ्री किया तो माइनस सिक्स हो गया फिर थ्री का मल्टीप्लाई किया सिक्स हो गया तो ये माइनस वन आ गया वन माइनस वन किया तो जीरो आ गया माइनस टू में से वन गया तो माइनस थ्री आ गया फिर मैं वन आपके पास माइनस किया इसमें से तो माइनस फाइव है माइनस सिक्स आ गया ये आपके पास है और ये कितना आ रहा है नाइन आ गया इतना आ गया ये देखो अब मेरे को वैल्यू निकालना है तो माइनस टू एक्स टू और माइनस सिक्स एक्स थ्री तो कितनी वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस टू एक्स टू माइनस सिक्स एक्स थ्री इक्वल टू कितना है सर माइनस वन फिर दूसरा इक्वेश है माइनस थ्री एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस सिक्स एक्स थ्री इक्वल टू कितना सर नाइन दोनों को सपरेट कर दो ये प्लस हुआ ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ ये कैंसल आउट यस yes, सर ये कितना हो गया सर एक्स टू बचा इक्वल टू कितना सर माइनस टेन कुछ गबड़ तो नहीं हो गया कितना था वहाँ पर उनका आंसर कितना था माइनस टेन था कि कुछ मैथमेटिकली मै, 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 कुछ मिस्टेक तो नहीं की आंसर था ना अपने पास एक्स थ्री कुछ तो गड़बड़ के होंगी फिर अपने? कुछ गबड़ क्योंकि वन 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 था वन 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 था वन 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 थ्री वन माइनस थ्री वन माइनस टू माइनस फाइव इक्वल टू टेन था ये थ्री किया माइनस टू थ्री मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री माइनस सिक्स और ये जीरो किया माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस सिक्स हुआ थ्री मल्टीप्लाई किया फाइव ओ फाइव माइनस थ्री यहाँ पर जो रिजल्ट था कितना था थ्री मल्टीप्लाई किया तो टू था यार यहाँ पे ये टू था टू था ये टू इसका मतलब है ये टू था तो फिर अगले स्टेप में क्या था ये टू था तो माइनस टू माइनस सिक्स एक्स टू ये टू था ये टू था ये टू था, ये टू था।, ये टू था।, ये टू था। माइनस तो है तो फिर कितना आया माइनस सेवन आया माइनस सेवन आया एक्स टू की वैल्यू माइनस सेवन आ रहा है क्या एक्स टू की वैल्यू माइनस सेवन था क्या अपने को क्लियर रहना चाहिए यार अपने को ये क्लियर रहना चाहिए कि सर हमको कोई इशू ही नहीं है सर जिंदगी में माइनस सेवन सही है ठीक है निकाल लिया अपन सॉल्यूशन कितना देर लगा ठीक तो है तो माइनस सेवन निकाल निकालिए यस सर अब एक्स वन की वैल्यू में एक्स टू की वैल्यू निकल गई एक्स थ्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना कहीं भी पुट कर दो तो माइनस टू तो प्लस फोर्टीन हुआ माइनस सिक्स एक्स थ्री हुआ इक्वल टू तो कितना हुआ टू हुआ सिक्स एक्स थ्री इक्वल टू कितना आ रहा है सर बारह तो एक्स थ्री की वैल्यू कितना आ रहा है टू यस सर एक्स टू आ गया एक्स थ्री आ गया अब एक्स वन की वैल्यू का कौन सा था एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल टू वन है एक्स वन की वैल्यू चाहिए, एक्स टू की वैल्यू कितना था सर माइनस सेवन एक्स थ्री की वैल्यू कितना था प्लस टू इक्वल टू वन तो एक्स वन की वैल्यू कितना हो गया ये माइनस फाइव तो उधर गया तो सिक्स हो गया एक्स वन सिक्स आ गया एक्स टू माइनस सेवन और एक्स थ्री की वैल्यू टू आ गई सोल्व हो गया तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इक्वेशन सॉल्व करना है तो मेरे को एल्यू डिकम्पोजिशन मैथड की नीड नहीं है अच्छा मैं इसलिए बताया कि यार कौन सा कल एग्जाम है मेरे को तो पूरी बात करना है कि यार एलयूडी कंपोजिशन से कैसे सॉल्व करते तो सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर सॉल्यूशन निकालने के लिए तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एलयूडी कंपोजिशन की नीड नहीं है आपको तरीके और नहीं बढ़ाना है आपके पास ऑलरेडी रोह केलॉ जो फॉर्म है वो बहुत पावरफुल तरीका है उससे फास्ट सॉल्व नहीं हो सकता है तो मेरे को डिकम्पोजिशन तरीके से सॉल्व हो सकता है बट मैं क्यों मेहनत करके ये सब तरीका बनाऊंगा जरूरत नहीं है मेरे को तो सर फिर डी फिर सर एल यू डी कंपोजिशन क्यों पढ़ाया आप इसलिए पढ़ाया क्योंकि हमको सोल्यूशन निकालने के लिए नहीं पढ़ाया मैं इसलिए पढ़ाया कि मेरे को पहले तो पता हो कि एल यू क्या होता है करके कैसे सोचते हैं एल यू वाले पार्ट में इसलिए बताया ठीक है, है सर आप बोले थे गेट में भी आता है देखते गेट में आता होगा तभी पढ़ाऊंगा मैं तभी पढ़ाऊंगा ना मैं नहीं तो फिर मेरे को पता है इतने सारे लोग कुछ कुछ बोलना चालू कर देंगे यूट्यूब में आके कि सर एकदम परेशान कर रहे बच्चे लोग को कुछ भी कुछ पढ़ा रहे ये दो हजार पंद्रह आई टी कानपुर का क्वेश्चन दो हजार पंद्रह आई टी कानपुर का क्वेश्चन है भैया

फिर यू निकालने के लिए एल कैनवर्स की हेल्प ली गई होगी तो यू के पूरे एलिमेंट डायगोनल वन ही आएंगे जब आप यू निकाल लेते हो और जब यू की हेल्प एल निकालते हो तो एल के डायगोनल एलिमेंट वन आते चलो इतना नहीं भी पता तो भी इस क्वेश्चन में तो सब बता दिया गया था ठीक है क्या होता है आपके पास कंसेप्ट यह कहता है कि सर एक वाल टू एल यू होता है बिल्कुल सही एक वल टू एल यू है और एक की वैल्यू क्या है सर टू टू हाँ फोर नाइन सर बिल्कुल सही है और लोअर ट्रेंगुलर में आपके पास कुछ वैल्यू दी गई नहीं सर लोअर ट्रेंगुलर में कुछ वैल्यू नहीं दी गई है एल वन वन जीरो एल टू वन सर और एल टू टू बिल्कुल सही है इसी को लोअर ट्रेंगुलर बोलते हैं बिल्कुल अपर ट्रेंगुलर में वैल्यू क्या होगी सर ये वन अपर ट्रेंगुलर है और ये यू वन टू हाँ सर यू वन टू स्मॉल लेटर भी लिख सकता हूँ यू वन टू ये जीरो और यू टू टू सर ये वन कैसे लिख लिए अरे लिखा था यार डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास लिखा था ओके हाँ अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो फर्स्ट हो फर्स्ट कॉलम सर एल वन वन आ रहा है सर बिल्कुल सही फर्स्ट और सेकंड कॉलम सर एल वन वन और U12, L11 यू वन टू एल वन वन यू सेकंड रो सेकंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सर एल टू वन सेकंड रो सेकंड कॉलम एल टू वन हाँ यू वन टू प्लस एल टू टू ये हो गया और ये टू टू फोर नाइन तो अगर मैं ध्यान से बोलूँ कि क्या हो रहा है तो मैं से क्या पूछा गया था एल टू टू पूछा गया था तो मैं तो यहाँ से कर ही सकता हूँ क्या क्या सर एल टू टू अगर निकालना है तो लास्ट एलिमेंट नाइन से कंपेयर होगा यस सर पता है नाइन नाइन इक्वल टू क्या है लास्ट एलिमेंट में सर एल टू वन यू वन टू एल टू वन यू वन टू हाँ प्लस सर एल टू टू ये आपके पास है सर नाइन लेकिन यार एल टू वन तो मेरे को पता है बताओ एल टू वन की वैल्यू कितना होगा सर एल टू वन की वैल्यू फोर होगा सर फोर ये आप ये आपके पास देखा जा सकता है फोर आया आपके पास सीन है फोर और सर एल वन वन की वैल्यू कितना है टू एल वन वन की वैल्यू कितना है टू ये भी सीन है ये भी सीन है जो देखा जा सकता है ये सीन के लिए साइन बना दिया और सर एल वन वन यू वन टू कितना है एल वन वन यू वन टू की वैल्यू कितना था सर वो भी दो था सर ठीक है तो अगर एल वन वन दो है और एल वन वन यू वन टू दो है तो एल तो तो वन वन दो और यू वन टू की वैल्यू तो यू वन टू कितना है ठीक है भैया अब देखो यार नाइन इक्वल टू अब इसमें जाना है मेरे को इसमें जाना है अगर मेरे को मैं क्या बोलूंगा नाइन इक्वल टू क्या है सर नाइन इक्वल टू एल टू वन एल टू वन की वैल्यू कितना था सर फोर और यू वन टू की वैल्यू कितना है वन फिर कितना है एल टू टू सर वो दोनों निकाल लिए तो एल टू टू की वैल्यू कितना आ रहा है बोले सर फाइव आ रहा है फाइव आ रहा है ये एग्जाम का आंसर था ये आंसर था न्यूमेरिकल आंसर टाइप था और इसका आंसर फाइव दिया था एग्जाम कि फाइव आंसर आएगा करके निकल गया ऐसे तो कोई बड़ी बात तो है नहीं हां सर बड़ी बात तो है नहीं बट पता तो हो कि क्या बातें चल रही पता चला कि यही नहीं पता चल रहा है क्या क्वेश्चन आ गया भैया ये क्या है डीकम्पोजिशन लीनियर जोरा में डम्पोजिशन वॉट इज दिस कुछ है नहीं फाइव आंसर आ रहा है देख लो ध्यान से तो 2015 की बात है आई कानपुर से आपके पास ये क्वेश्चन था सॉल्व हो गया हो गया ना सोल्व ठीक है ये सॉल्व कर दिया अपन अब ये 2022 हजार बाईस आई टी खड़गपुर का क्वेश्चन था और जब ये क्वेश्चन आया होगा तो बना भी नहीं होगा किसी से 2022 का अगर आप सॉल्यूशन जाके ढूंढोगे तो हो सकता है कि कोई दिया हो मतलब मैं को आइडिया नहीं है कि कोई दिया होगा बट मेरा समानना है कि नहीं दिया होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी कॉपी में भी नहीं होगा यूट्यूब में भी नहीं होगा दो हजार बाईस आई आई टी खड़गपुर कंसिडर सॉल्विंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ सामनेटेरियस इक्वेशन है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऐसे जान निकल जाएगी एल यू डी कंपोजिशन बोला है यूजिंग एल यू डी कंपोजिशन एक्स वन एक्स टू एक्स माइनस टू एक्स थ्री इक्व टू फोर एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू थ्री इक्शन थ्री वेरेबल और एल ये लिखा है और यू वो लिखा है और बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन वैल्यूज फॉर द एल थ्री टू यू थ्री थ्री और एक्स वन कहाँ होगा भाई सोच के देखो कहाँ होगा बताओ अब एक्सवन की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मैं एक्स वन की वैल्यू तो मैं कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकता हूँ एक्स वन तो सोल्यूशन है एक्स वन तो सोल्यूशन है एक्स वन की वैल्यू तो मैं कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकता हूँ यस सर एक्स वन की वैल्यू को तो मैं कैसे भी करके फाइंड आउट कर सकता हूँ सोल्यूशन तो निकालना है मेरे को सर अगर मैं फाइंड आउट करने चला गया फाइंड आउट करने चला गया और ये मेरे पास है तो सोचो आपके पास ए मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है अच्छा ए मैट्रिक्स की वैल्यू वन वन माइनस टू ठीक है सही है फिर वन थ्री माइनस वन बिल्कुल सही है फिर टू वन माइनस फाइव टू वन माइनस फाइव ये ए की वैल्यू है आपके पास मैं चाहूँ तो ना एक्स वन की वैल्यू में ऐसा भी निकाल सकता हूं तो मैं आपके लिए कर नहीं रहा नहीं तो मैं ऐसा भी निकाल सकता हूं एक्स वन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डेल डेल इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा और डेल दे, वन की वैल्यू के लिए फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दूंगा चार सात और सात से मतलब ये डिटर्मिनेंट निकालूंगा मैं पहले कितना डेल वन की वैल्यू क्या निकालूंगा पहला कॉल, पहला वाला चेंज कर दूंगा मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे इलेवन में करते जो चार सात और सात ये और फिर वन थ्री वन को वही रहने दूंगा उसको चेंज नहीं करूंगा और माइनस टू माइनस वन और ये माइनस फाइव पता है क्या है डेल वन है सर और डेल क्या है डेल सर ये जो दिख रहा है इसका डिटर्मिनेंट वन वन टू फिर वन थ्री वन और माइनस टू माइनस वन और माइनस फाइव ये अरे कुछ भी कर सकते हैं ना अपन इतना डरने की जरूरत क्या है अगर मैं बोलूं कि सर मैं सर ये डेल वन सॉल्व कर रहा हूँ सर डेल वन सॉल्व कर रहा हूँ और सर सॉल्व कर ही डालता हूँ तो फोर के साथ कितना आ गया सर माइनस पंद्रह हाँ भैया प्लस वन सही है चलो माइनस वन सही है ये कैंसिल ये कैंसिल सर माइनस थर्टी फाइव फिर सर प्लस सेवन ठीक है सही है हाँ सर फोर सेवन सेवन था इक्वेशन सही लिखे अपन फोर सेवन सेवन यस सर फिर सर फिर माइनस टू सर अच्छा फिर कितना आएगा ये कैंसर कैंसर सेवन माइनस सर ट्वेंटी वन सर अच्छा ओके okay. कितना हो गया है फोर्टीन माइनस फोर्टीन माइनस फिफ्टी सिक्स आ गया ये कितना आ रहा है ट्वेंटी एट आ रहा है ये ट्वेंटी एट आ रहा है ये कितना आ रहा है आपके पास इक्कीस है फोर्टीन आ रहा है ट्वेंटी एट आ रहा है कितना आ रहा है डेलवन की वैल्यू डेलवन की वैल्यू देखो कितना आ रहा है डेलवन की वैल्यू मैं तरीका बस बात कर रहा हूँ कि फोर्टीन था माइनस फिफ्टी सिक्स पहला नंबर दूसरा कितना आया सर यह आया सर ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी एट सर ठीक है चलो ये कितना आ रहा है सर चौदह और सर प्लस ट्वेंटी एट सर अरे तो जीरो आ गया यार सर जैसे डेलवन जीरो आ गया मेरे पास एक्स का आंसर जीरो आ गया तो मेरे को ये पता चल गया क्या कि सर ए या सी में से एक होगा ऐसी बातें कर रहा हूं कि आप कितने कितने कॉन्फिडेंस में रहते हो चीजों को लेके मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि सर मैं तो सर बचपन में करता था अब तो डर जाता हूं सर ये क्या लिख देते हो सर करके अब ऐसा कोई बोल देगा तो फिर वो कैसे सोच रहा है कि उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होगी वो ऐसा कैसे सोच रहा है कि सर इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे बहुत बेरोजगारी है जहां पे लोग फ्री में लोग सिर्फ कमेंट्स करते हैं कि यस वी आर ग्रोइंग ऐसी जगह पर जहां पे लोग इतने पॉजिटिव है ही नहीं बेरोजगार होने के बाद भी ऐसी कंट्री में तो मतलब बहुत मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको तो एक्स वन की वैल्यू जीरो ऐसे कि मैं ऐसा करूंगा जब मैं बताया आपको एक्स वन की वैल्यू जीरो आ गया आपके पास अभी क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये है सर कि क्या सर एल और यू आपके पास है सी ओडी में से तुक्का मार दो एक अलग बात है लेकिन अभी मैं तुक्के की बात नहीं कर रहा हूँ और एक्स वाई जेड की वैल्यू तो मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ सिर्फ रो रोकेलॉन फॉर्म से एक्स वन सिर्फ एक्स वन के ऑप्शन थे मैं चाहूँ अच्छा एक्स वन के ऑप्शन थे इसलिए बड़े फास्ट मोड में मैं ये बोल दिया अब x1, x2, x3 तीनों निकालना रहता तो फिर तो मैं रोयकलॉन फॉर्म यूज कर लेता अभी भी कर सकता हूं इट्स ओके मेरा ये है कि L और U है यार क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है देख के डर जाए कोई सोचे कि सर क्या होगा मेरा अब सर सोचो कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बस मल्टीप्लाई कर दोगे और ये जान लेने के बाद भी क्वेश्चन आपको कभी बारह की वैल्यू नहीं देगा उसमें से दो आंसर आपको देना भी है आप जान दे भी दोगे तो जान आपकी चली भी जाएगी ये क्वेश्चन जान ले भी लेगा लेकिन बारह अनोन कभी निकाल नहीं पाओगे हाँ सर सोचो ना आप इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार चीज़ें का बहुत अच्छा कनेक्ट होना इज ऑलवेज गुड थिंग ठीक है देखते रहिएगा बात करें अपन कहाँ सर अब अगर मैं बोलूँ कि देखो अगर मैं ए मैट्रिक्स था मेरे पास और अगर मैं सोचूँ कि मेरे को ए मैट्रिक्स की अगर हेल्प लेना है और मैं बहुत पावरफुल तरीके से चीज़ों को समझना चाहता हूँ कि यार ए मैट्रिक्स है क्या ये देखो ए मैट्रिक्स है मेरे पास ध्यान देना वन 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 माइनस टू है वन वन माइनस टू है है ना वन थ्री माइनस वन है देखो आप चाहते हो मैं सर टॉपिक को छोड़ भी तो सकता था क्वेश्चन ये कि सर आप इन सब टॉपिक को छोड़ क्यों नहीं रहे आप तो वैसे भी मैथ्स नहीं पढ़ाते हो तो आप तो सर यूट्यूब में सर लोग बस आप आपको सर देख देख के बस वो बोल देंगे कि आप हमारा मैथ्स करवा दिए तो सर आप इतना इतना सारा कैसे कर रहे होंगे मतलब तो यह आसान तो होगा नहीं इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ा होगा ये तो इतना आसान तो होगा नहीं और जब कोई पढ़ाया नहीं तो आप किसी से लिए भी नहीं होंगे तो फिर आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो मतलब मैं जो किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा आर एन डी करता हूँ नहीं तो उसके बिना नहीं पढ़ाता हूँ तब जब तक मैं सेटिस्फाइड ना हूँ तब तक मैं नहीं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं मुढ़ी व्यक्ति हूँ बहुत ज़्यादा अगर मेरे को ए से यू में पहुँचना है ए से यू में पहुँचना है ए से यू में अच्छा ए से यू ध्यान दिया नहीं था कि ए से यू में पहुँचना है यू मेरा लेटर है ना यू मेरा लेटर ए लेटर से यू लेटर में पहुँचना है हाँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ अपर ट्रायंगल बना लूँ क्या वन वन माइनस टू वन जीरो कर दिया थ्री में से एक गया दो और प्लस uh, वन हो गया है ना हाँ ये जीरो टू का मल्टीप्लाई किया वन माइनस टू माइनस वन हो और गया और क्या करोगे यार और four, four. तो, सर टू का मल्टीप्लाई किया माइनस फोर तो माइनस फाइव और माइनस फोर प्लस फोर तो माइनस वन आ गया सर ऐसा आ रहा है यस तो आर थ्री कैसे करोगे सर आर थ्री सर आर थ्री प्लस आर टू बाई टू सर अच्छा हाँ तो क्या आ जाएगा इससे 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 यू में लिखने वाला हूँ क्या वन वन माइनस टू ठीक है जीरो टू वन जीरो जीरो हो गया सर ये आर थ्री माइनस वन तो आर टू बाई टू के तो वन ऐड कर दिए अब आर थ्री में माइनस वन आर टू बाई टू करोगे माइनस वन प्लस वन बाई टू माइनस वन प्लस माइनस वन बाई टू सर माइनस वन बाई टू ये बन गया पर, अरे अपर टैंग मैट्रिक्स बनाना था बना लिए भैया अपर मैट्रिक्स बना लिए बना लिए बना लिए बन गया हाँ ए से अपर टेंगुल मैट्रिक्स टेंग बन गया पता है इसमें से ये यू वन वन है ये यू वन टू है ये यू वन थ्री है ग्यारह बारह 13, बाईस तेईस और ए थर्टी थ्री तो सर U33 कितना आया अच्छा U33, U33 थ्री यू थर्टी थ्री माइनस वन बाई टू आया यू थर्टी थ्री माइनस वन बाई टू यू थर्टी थ्री माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू सर ए तो ए आंसर आ गया सर हाँ आप हैप्पी हो सकते हो आप ए आंसर आ गया करके एल थर्टी टू की निकालने की वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ी हाँ ये आ गया आपके पास एक्स वन जीरो था वो भी आ गया था यू थर्टी थ्री माइनस वन बाई टू है सर मेरे को बताओ सर जब आप U बना रहे थे तो इससे भी तो आंसर निकाल सकते हो ना ऐसे ही तो यू बना सर ऐसे ही तो यू बनाना तो सर जब ए से ही यू बना तो रोयकोलॉन फॉर्म नहीं होगी यहाँ से निकाल सकते क्या निकाल सकते थे यार क्यों नहीं निकाल सकते थे यहाँ से अगर मैं बोल दूँ कि कितना आपके पास हुआ माइनस वन बाई टू एक्स थ्री इक्वल एक टू जीरो फिर आपके पास कितना आपके अच्छा फिर अगर जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो नहीं ये इधर आगे का मेरे को फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ना जो जो मैं परफॉर्म किया हूँ ये फिर मेरे पास ये अगर मैं लिख रहा हूँ तो फिर मेरे को आगे का ऑपरेशन अगर मेरे को एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू चाहिए तो जब मैं ये परफॉर्म किया था आर थ्री प्लस आर टू बाई टू किया था तो राइट साइड में कितना था फोर ये था ना आपके पास फोर सेवन सेवन था ये था फोर सेवन सेवन तो जो फोर सेवन सेवन था सोचो कि जब मैं आर थ्री प्लस आर टू बाई टू यूज कर रहा हूं तो क्या बचा अगला नंबर सर फोर ही बचा अगला नंबर सेवन बचा और अगला नंबर क्या बचा आर थ्री प्लस आर टू बाई टू तो सेवन में सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन बाय टू कर रहा हूं मतलब कितना ट्वेंटी वन टू हो गया ये थर्ड वाला फिर मैं क्या किया फिर मैं बोला नहीं पहला तो मैं ये किया था ना यार आर वन टू किया था तो फोर और ये सेवन था एक मिनट जाओ ये ये चेंज करता हूँ नहीं।, को नहीं है ठीक है देखो फोर फोर सेवन था मेरे पास पहले स्टेप की बात क्या बचा पहले स्टेप की बात पहले स्टेप की बात सर देखो ये जीरो थे अपन तो फोर सेवन में से फोर गया तो थ्री बचा और फिर ये टू माइनस किए थे सर तो चार दुनिया आठ सात में से आठ गया तो माइनस वन बचा अगला स्टेप क्या किए अगले स्टेप में आर वन में कुछ नहीं किया सर फोर आर टू में कुछ नहीं किया थ्री आर थ्री में किया सर क्या किया आर थ्री में आर थ्री में क्या किए माइनस वन में आर टू बाई टू किए तो थ्री बाई टू एड कर दिए तो माइनस वन प्लस थ्री बाई टू कितना हुआ भैया ये सर वन बाई टू हुआ सर ये तो यहाँ कितना था सर माइनस वन बाई टू था तो माइनस एक्स थ्री बाई टू इज इक्वल टू कितना सर वन बाई टू तो एक्स थ्री की वैल्यू कितना आ गया एक्स थ्री की वैल्यू माइनस वन आ रहा है सर बिल्कुल सही बात है और फिर फिर सर टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री सर टू एक्स टू टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री की वैल्यू सर बताओ सेकंड वाली वैल्यू कितना है सर थ्री सर तो टू एक्स टू और एक्स थ्री की वैल्यू कितना बोले आप माइनस वन कितना आंसर आया सर ये फोर हुआ एक्स टू की वैल्यू टू सर एक्स टू टू आ रहा है और एक्स थ्री माइनस वन आ रहा है एक्स वन की बात करें अपन एक्स वन एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस माइनस टू एक्स थ्री इक्वल टू फोर सर ध्यान देखो आपके पास एक्स वन प्लस एक्स टू क्या क्या एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स थ्री इतना था यस सर इक्वल टू तो कितना फोर हाँ अब बताओ आपके पास एक्स टू की वैल्यू कितना था एक्स टू की वैल्यू था सर, 2, और X3 सर. टू और एक्स थ्री की वैल्यू माइनस वन सर एक्स टू की वैल्यू टू और एक्स वन की वैल्यू कितना माइनस वन तो कितना हो गया प्लस टू हो गया एक्स वन की वैल्यू तो फोर में से फोर गया तो एक्स वन की वैल्यू कितना आ गया जीरो एक्स वन जीरो आ गया ये देखो रूल अप्लाई नहीं किया कुछ भी पूछते मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बस एक्स वन निकाल लिया और क्रेमर रूल लगा लिया और हैप्पी हो गए हम एग्जाम थोड़ी दे रहे तो आज मेरे को सब कुछ पता होना चाहिए मेरे को कुछ ऑप्शन में कुछ भी पूछे किस तरीके से भी फ्रेम करे मैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी निकाल सकता हूं अच्छा जब आप ए से यू बनाई रहे हो इसका तो, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन तो अप्लाई कर रहे हो ना तो मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन फिर अलग से अप्लाई किया फोर सेवन सेवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो नहीं बनाया था ना नहीं तो वही क्यों ही दिख जाता इसलिए मैं अलग से लिखा फिर जो जो हो रहा था तो पता चल गया मेरे को अच्छा अब मेरा आंसर आ गया इससे तो मैं सेटिस्फाइड हूँ नहीं मेरा यू कितना है अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि सर यू तो आ गया सर देखो आपके पास क्या था ध्यान देना सर आप बोले थे कि ए इक्वल टू एल यू होता है हाँ ए इक्वल टू एल यू होता है अगर मैं यू इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों साइड तो क्या होता है ए इंटू यू इनिवर्स इक्वल टू एल आता है बिल्कुल सही है यू है क्या सर यू है यू की अगर मैं बात करूं कि यू कितना आया यू की बात करें तो वन वन माइनस टू आया ध्यान देना भी वन वन माइनस टू आया फिर कितना आया सर जीरो टू वन जीरो टू वन फिर जीरो 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 माइनस वन बाई टू जीरो 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 माइनस वन बाई टू याद रखना ये यू है ये यू है हमारे पास ठीक है पता है आपके पास का डिटर्मिनेट ऑफ यू कितना है यू का डिटर्मिनेंट कितना है सर वन के लिए करेंगे तो सर माइनस वन माइनस माइनस वन है सर डिटर्मिनेट सही है एड जॉइंट कितना निकलेगा इसका सर एड जॉइंट ऑफ यू निकालेंगे सर जान निकल जाएगी सर कुछ जान नहीं निकलेगी यार पहले पर खड़े हो आप आपको सिर्फ ट्रांस को फेक्टा निकालना और ट्रांसपोस्ट निकालना है यहाँ पे निकालते जाओ यहाँ ट्रांसपोस्ट करते जाओ इस पे खड़े हो तो ये कैंसिल ये कैंसिल कितना हो गया सर माइनस वन सर ए माइनस वन आ गया कितने आ रहा है एट जॉइंट ऑफ जियो यस सर माइनस वन आ गया जब इस पर निकालो तो क्या आएगा ये कैंसिल ये कैंसिल जीरो और जीरो जीरो आ गया सर इस पर खड़े हो तो ये कैंसिल ये कैंसिल जीरो जीरो सर जीरो जीरो, 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 जीरो आ गया तो फर्स्ट को फैक्टर निकाल के यहाँ जमा दिया ठीक है सर अब यहाँ पे निकाल रहा हूँ लिए निकाल रहा हूँ इसके लिए निकाल तो ये गया ये गया वन इंटू माइनस वन बाई टू सर माइनस वन बाई टू आ रहा है सर और ये तो जीरो हो गया माइनस वन बाई टू लेकिन पोजीशन जो है ऑड है तो ये प्लस वन बाई टू हो गया नहीं तो माइनस वन बाई टू लिखने वाले थे अपन फिर से चेक कर लेते हैं जीरो पे था ये कैंसिल ये कैंसिल माइनस वन बाई टू लिखने वाले प्लस वन बाई टू लिखे इस टू वाली जगह पे है सर ये कैंसिल ये कैंसिल वन इंटू माइनस वन बाई टू और जीरो माइनस वन बाई टू आएगा सर ये इवन पोजीशन है सर जब इस जगह पर हूँ ये ऑट पोजिशन है ये कैंसिल ये कैंसिल जीरो आ रहा है सर इसमें भी कोई ईश्वी नहीं था जब इसमें अपन गए इवन ई पोजिशन है ये कैंसिल ये कैंसिल वन और प्लस फोर फाइव आ रहा सर ये ई वन पोजिशन था इसमें गए तो ये कैंसिल ये कैंसिल वन इंटू वन जीरो इंटू माइनस टू तो सर ये आ रहा सर वन और ये ऑट पोजिशन है इसलिए माइनस वन

एक मिनट वन बाई टू माइनस हो गया माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू और ये जीरो हो गया थर्ड सो माइनस फाइव माइनस फाइव वन और माइनस टू कुछ मिस्टेक होगा तो देख लेंगे ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं हो सकता इतने जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे अपन तो अब देखो आपके पास ए इंटू यू यूनिवर्स निकालना है ए इंटू यू यूनिवर्स और ये होगा एल के बराबर यस सर ए क्या है भैया वापस जाओ ए निकाल ए, ए देखने के लिए ए क्या था अपना ए था सर वन वन माइनस टू वन वन माइनस टू फिर फिर क्या था सर वन थ्री माइनस वन वन थ्री माइनस वन फिर क्या था टू वन माइनस फाइव टू वन माइनस फाइव चेक करना यार ये ए था यू का इन्वर्स ही आया वन जीरो जीरो माइनस वन बाई टू कुछ मिस्टेक होगा तो बता देना मैं चेंज कर लूँगा माइनस फाइव वन और माइनस टू बताते रहना आपकी सर कुछ मिस्टेक है सर तो बता देना अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मेरे को एल निकालना है मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन आ गया सर देखो ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तो वन आ गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सर माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू और ये तो जीरो आ गया सही है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम सर माइनस फाइव सही है वन और प्लस फोर माइनस फाइव प्लस वन प्लस फोर माइनस फाइव प्लस फाइव जीरो सही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वन आ रहा है सर तो ठीक है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सर माइनस वन बाई टू और थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू और थ्री टू तो वन आ गया और सेकेंड रो थर्ड कॉलम सर माइनस फाइव सही है थ्री और प्लस टू प्लस टू और माइनस फाइव जीरो रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम टू इंटू माइनस वन बाय टू तो टू इंटू माइनस वन बाई टू कितना माइनस वन आ गया और वन माइनस तो वन और वन बाय टू टू इंटू माइनस वन बाई टू तो कितना आ गया माइनस वन प्लस वन बाई टू तो माइनस वन बाई टू आ रहा है तो परफेक्टली बन गया क्या अगर अगर आप कुछ गलत करते तो लोअर मैट्रिक्स नहीं बनता ये तो परफेक्टली लोअर ट्रेंगोला मैट्रिक्स बन गया भैया ये देखो और देखो ये किन बात से आपको प्रूफ हो गया कि ये सही होगा पूरा कैलकुलेशन एक तो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बना और मैं क्या बोला था कि डायगोनल एलिमेंट जब आप क्रिएट करोगे ये तो किसी को पता भी नहीं होता है डायगोनल एलिमेंट्स जो आपके पास बनेगा वो वन 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 बन जाएगा भैया ये ये डायगोनल एलिमेंट्स इसमें से कुछ पूछा था क्या सर एल पूछा था सर आई थिंक एल एल मतलब थर्टी या समथिंग कुछ पूछा था एल पूछा था एल पूछा था सर माइनस वन बाई सही है हाँ सर एल थर्टी टू माइनस वन बाई टू है सर एकदम सही है सर एल थर्टी टू इसका मतलब अपन तो कुछ भी कर सकते हैं हाँ कुछ भी कर सकते हैं एल थर्टी टू की वैल्यू देखो एल थर्टी टू की वैल्यू एल थर्टी टू की वैल्यू कितना है भैया माइनस वन बाई टू सर गुड गुड आ गया इसका मतलब सर यू से सर एल क्रिएट कर लिए सर अब कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है नहीं आता तो कुछ मिस्टेक करते हैं मिस्टेक करते तो आप बता देते मिस्टेक करता तो आप बता देते कि सर ये मिस्टेक हुआ करके एक डिकम्पोजिशन होता है कॉलेस की डिकम्पोजिशन कोलेस की डिकम्पोजिशन अब ये कॉलेज की डिकम्पोजिशन क्या होता आपके है आपके पास ये भी प्रोसेस है आपके पास ब्रेक डाउन ऑफ हरमेशियन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लोअर मैट्रिक्स एंड इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट अच्छा इसमें भी लोअर ट्रेंगुल मैट्रिक्स होता है और उसका ट्रांसपोर्स कॉन्जुगेट होता है लोअर ट्रेंगुल मैट्रिक्स और इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्स इंपॉर्टेंट फॉर द्यू न्यूमरिकल सोल्यूशन लीनियल जेबरा ठीक है भैया अगर ए आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट हर्मिशन मैट्रिक्स है लोअर ट्रेंगुलर और उसके कॉन्जुगेटो में तो L L लिखा हुआ है इस बार एल इंटू एलिस्टार देखो यहां से एल इंटू एलिस्टार लिखा हुआ है सर। L L लिखा हुआ है एलिस्टार जो है वो कॉन्जुगेट है कॉन्जुगेट ट्रांसपोर्ट है ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट है ओके सर अब एल इज द लोअर मैट्रिक्स ऑफ ए विद द पॉजिटिव डायगोनल ठीक है भैया अगर सपोज करो ये अगर आपके पास रियल मैट्रिक्स है और आपके पास नहीं है इमेजनरी टर्म तो कोई बात ही नहीं होगी तब तो आपके पास एक हरमिशियन मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है अगर कॉन्जुगेट ना हो तो अगर आपको याद हो तो हरमिशियन मैट्रिक्स के बारे में कितना जानते हो अभी तो पता नहीं भूल गए होंगे नहीं ए आई जे की वैल्यू ए जे आई कॉन्जुगेट के बराबर होती है नहीं मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बाद कॉन्जुगेट लो कॉन्जुगेट के बाद ट्रांसपोज लो इट्स ओके बट अगर ये रियल मैट्रिक्स है तब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू ए जी आई ओके ओके सर ठीक है तब तो उस केस में क्या होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू के बराबर ही होगा ओके okay. ठीक है ये एल इन टू एल ट्रांसपोर्स होगा इसका मतलब है कि अगर ये रियल मैट्रिक्स है इफ इज रियल मैट्रिक्स द रियल मैट्रिक्स तब तो कोई इशू ही नहीं है तब तो आप एल लो और एल का ट्रांसपोज ले लो ये एल ले ली है और ये का का ले लिया लिए तो सर फाइनली तो एल यू का ही फॉर्म आ गया ये एल है इसका ट्रांसपोज लिया तो एल यू हो गया और अब ध्यान से को ना ये जब मैं ट्रांसपोज जब ले रहा हूं तो ये तो फिर कंसेप्ट हो गया कि इसका तो दोनों मैट्रिक्स को आप ऐसे सेट कर दिए ओके सर अब लिखा है कि आपके पास कॉलेज की डिकम्पोजिशन जो है आपके पास डिकम्पोशन एग्जिस्ट फॉर एवरी हरमेशन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ठीक है द कॉलेज की जनरली ट्वाइस इज एफिशिएंट एज एफेंट अब हमको एफिशिएंसी के बारे में ज्यादा बात तो करना नहीं है क्यों बात नहीं करना क्योंकि कोई अभी हम एफिशिएंसी से रिलेटेड डिस्कशन नहीं करते द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव डेफिनेट इफ सिमेट्रिक हम पॉजिटिव डेफिनेट किसको बोलते हैं पॉजिटिव डेफिनेट हम उसको बोलते हैं जो कि एक सिमेट्रिक होगा और उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव होंगे दैट मीनस द ग्रेटर देन जीरो जिसके आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो होंगे और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसको पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स बोलते हैं तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स दो पॉइंट से आइगन वैल्यूज पढ़े नहीं है है ना अगली क्लास में आइगन वैल्यूज भी चालू हो जाएगा आज ही चालू करने का था मेरा लेकिन अभी दो घंटा तो अपने कुछ हो ही है तो लगभग आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट की जब मैं बात करता हूँ तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और आइगन वैल्यूज होना चाहिए आइगन वैल्यूज तो पढ़े नहीं है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा अभी कंसेप्ट क्या है कि जो कॉलेज की डिकम्पोजिशन है आपके पास उसमें है उसका ट्रांसपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन है इसमें देखो आपके पास इमेजनरी टर्म्स दिया हुआ है इसका मेरे को सोल्यूशन निकालना है सोल्यूशन निकाल सकते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यार मैं गेट का एक क्वेश्चन पहले अप्लाई कर लेता हूँ फिर सॉल्व एग्जाम्पल में आता हूँ ये गेट का क्वेश्चन आया था 2023 अब भी आया पिछले साल ही अगेन ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं किए होंगे क्यों सॉल्व नहीं किए होंगे लोग बोलते होंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है ये तो आप जब एल यू नहीं सुने तो फिर कॉलेज की डिकम्पोजिशन तो सुने नहीं होंगे मतलब ऐसा मैं मानता हूँ हो सकता है कि आपको कोई पढ़ाता हो

अच्छा एल टू टू की वैल्यू दे दिया कि वन पॉइंट नाइन सिक्स एट है वॉट इज द वैल्यू ऑफ़ द एलिमेंट ए टू टू ए टू टू की वैल्यू पूछा है मतलब इस बार ना ए मैट्रिक्स में एक अननोन बना दिया और बोला है कि यार ये देखो एल मैट्रिक्स होगा और ये एल ट्रांसपोज होगा बिल्कुल सही तो अब देखो ध्यान से कि वैल्यू क्या दी हुई है वैल्यू दी है एट माइनस फाइव माइनस फाइव और ए टू टू और देखो आपके पास इस तरीके से ये ये जो बना है सर ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बनेगा ही सीमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि एल इन टू एल ट्रांसपोज से बना रहे हो आप एल की वैल्यू क्या होगी सर एल वन वन लोअर ट्रेंगुलर बनाना ये जीरो एल टू वन और एल टू टू सर लोअर ट्रेंगुलर है बिल्कुल सही है अच्छा ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा एल वन वन और ये क्या हो जाएगा एल टू वन ये जीरो यहाँ आ जाएगा और एल टू टू ये अपर ट्रेंगुलर बन गया तो देखो आपके पास ये लोअर ट्रेंगुलर और वो एक अपर टेंगुलर ट्रांसपोज किया ना मैं अब अगर मैं बोलूँ कि देखो यार अगर मेरे को इसको सॉल ही करना है और मल्टीप्लाई करना है तो क्या हुआ सर एल वन वन का स्क्वायर हुआ बिल्कुल सही फिर क्या हुआ फर्स्ट और सेकंड कॉलम सर एल वन वन और एल टू वन हुआ सर ये भी सही है एल टू टू जीरो एल वन वन और एल टू वन हो गया यस yes, सर एल वन वन एल टू वन फिर क्या हुआ सर एल टू वन का स्क्वायर और एल टू टू का स्क्वायर इतना आ रहा आपके पास और ये क्या था ये था सर एट माइनस फाइव माइनस फाइव और ए टू टू ए टू टू निकालना है मेरे को लेकिन मेरे को तो एल वन वन की वैल्यू पता चल गई एल वन वन का स्क्वायर तो एट के बराबर है एल वन वन का जो स्क्वायर है मेरे पास वो कितना है एल वन वन का स्क्वायर एट के बराबर है एल वन वन की वैल्यू रूट एट आ गया ठीक है प्लस माइनस रूट एट बोल सकता हूँ रूट एट एल वन वन एल टू वन की वैल्यू कितना माइनस फाइव के बराबर है एल वन वन एल टू वन की वैल्यू माइनस फाइव के बराबर एल वन वन रूट एट है तो एल टू वन की वैल्यू आ गई माइनस फाइव बाई रूट एट ये एक एक वैल्यू लेते गए हमें इसके लिए परेशान ना होगी प्लस माइनस रूट एट था सर आप प्लस ही ले लिए इट्स ओके हमें को तो लेना है वैल्यू अब और ठीक है सर एल टू वन का स्क्वायर और एल टू टू का स्क्वायर एल टू वन का स्क्वायर प्लस एल टू टू का स्क्वायर ये किसके बराबर था सर यही तो सर ए टू टू के बराबर है

यह है सर पच्चीस बटे आठ हाँ प्लस वन पॉइंट नाइन सिक्स एट का स्क्वायर और यह आएगा ए टू टू देखो कितना आ रहा है ये आंसर कोई सॉल्व किया हो तो कितना आ रहा है ये तो तीन से ज़्यादा हो गया और वो भी वन पॉइंट नाइन देखो कितना आ रहा आंसर कोई कैलकुलेट करेगा तो बताएगा आपके पास तो कॉलेज की डिकम्पोजिशन जो होता है आपके पास वैसे ही है बस ये कि वो एल और यू बोलता था यहां पे एल और एल का ट्रांसपोज है लोअर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपके पास ये वैल्यू बताएगी कि आप ये कितना वैल्यू आ रहा है ये कितना वैल्यू आ रहा है एक बार चेक करो वन तो दिया था क्वेश्चन में ये वैल्यू कितना आ रहा है किसी का आया ये कोई सॉल्व ही नहीं करता है बस आप देखते रहते हो कि हाँ सर अच्छा, अच्छा अच्छा बता रहे हो सर बहुत सारी चीजें सर नहीं नहीं बता रहे हो सर दो हजार तेईस का क्वेश्चन है ये एक एक क्वेश्चन से आपकी जिंदगी बनती है और गिनती के लोग ही रहते दुनिया को जीतने वाले लोग सिक्स पॉइंट नाइन नाइन सिक्स पॉइंट नाइन नाइन क्वेश्चन लिखा था राउंड ऑफ राउंड ऑफ लिखा था क्वेश्चन में सेवन ऑप्शन में देखो राउंड ऑफ बोल रहा था बोला वॉट इज द वैल्यू राउंड ऑफ ऑफ टू द नियरेस्ट ने, एंटीजियर वैल्यू ए टू टू, टू सेवन हाँ ये सेवन दिया ना ये सेवन दिया सिक्स पॉइंट नाइन नाइन सेवन आंसर इस क्वेश्चन का ये लेकिन जब हमको कुछ भी नहीं पता होता है तो हम क्या कर पाएंगे हम तो परेशान होते रहेंगे कि कोई क्या बोलना चाह रहा है करके तो ये देखो आपके पास क्वेश्चन में कुछ नहीं है ये। अच्छा ये इसलिए भी कोई डील नहीं करता होगा क्योंकि इसके पहले कभी नहीं पूछा दो के पहले कभी नहीं पूछा दो के पहले कभी नहीं पूछा अभी पूछा उसमें भी फिर आपको ब्रांच अच्छा मैं ब्रांच क्यों नहीं लिखता हूं ये ब्रांच लिख दूंगा ना सपोज करो मैं लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आया था तो मैकेनिकल वाला कभी नहीं करेगा मैं लिख दिया सिविल को आएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कभी नहीं करेगा आपको क्या लगता है ब्रांच देख देख के वो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं क्या लीन एलजेब्रा मतलब लीनी एलजेब्रा ठीक है इसलिए मैं ब्रांच नहीं लिखता हूँ नहीं तो मैं आप इंजीनियर लोगों को जानता हूँ वो लोग लो इतने ब्रांच स्पेसिफिक होते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना चाहते चीज़ों को सही तरीके से अच्छा अपन इस जगह पर थे कि सर एक एक मैट्रिक्स है सर और ये इमेजनरी टर्म्स है सर और मैं सर इसको लिखना चाहता हूँ सर एक एल मैट्रिक्स सर और एल ट्रांसपोज सर एल कॉन्जुगेट जो है ये आपके पास जो है वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ये ऐसे हमारे पास है यस सर जब मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू कितना है आपके पास नाइन फिफ्टीन आई माइनस फिफ्टीन आई फार्मीशियन दिख रहा है हाँ कॉन्जुगेट करेंगे तो यही है और ये सेवेंटी फोर है मैट्रिक्स में क्या लिखे अपन मैट्रिक्स में लिख देते ना सर एल वन वन जीरो एल टू वन और एल टू टू सर ठीक है और यही पे सर टर्म्स है सर कॉन्जुगेट अगर लिख रहे तो पहला और लास्ट नंबर तो रियली है तो ट्रांसपोज लिख रहे सर एल वन वन एल टू वन कॉन्जुगेट लिख देते सर ये और ये जीरो और एल टू टू सर सिर्फ आप इसमें कॉन्जुगेट क्यों लगाए बाकी सब में कॉन्जुगेट लगा देते ना नहीं नहीं यही नंबर सिर्फ कॉन्जुगेट में रखे हुए यही नंबर ठीक है तो L11 और L22 तो एक ही नंबर है आपके पास और L21 टू वन वहाँ पर चेंज हो गया जब मैं कॉन्जुगेट करता हूँ जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ ट्रांसपोज के बाद कॉन्जुगेट किया तो ये नंबर तो उसी जगह पे यही नंबर चेंज होगा कॉन्जुगेट भी लगा दिया क्योंकि इमेजनरी टर्म्स दिए हुए अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा अच्छा सॉल्व करोगे अगर एल सब में कॉन्जुगेट लगा देते तो एल वन वन इंटू का स्क्वायर करते वैसे भी आप एल वन वन का स्क्वायर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट और सेकेंड कॉलम सर एल वन वन एल टू वन का कॉन्जुगेट ये और नहीं और कुछ नहीं एल टू वन और एल वन वन एल टू वन और एल वन वन ठीक है सर फिर एल टू वन और एल टू वन का कॉन्जुगेट एल टू वन एल टू वन का कॉन्जुगेट एल टू वन का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस एल टू टू का स्क्वायर ये दिस वन ये हो गया आपके पास नाइन ये फिफ्टी माइनस फिफ्टीन आई और तो सिर्फ कॉन्जुकेट किसके लगाए क्योंकि इमेजनरी था अगर ये इमेजनरी टर्म तो ही नहीं होते तब तो कोई बात ही नहीं होती तब तो माइनस भी नहीं होता पता है इसमें तो कॉन्जुगेट लगाया आपके पास ये इस वाले में जो ये वाला जो एलिमेंट था क्योंकि ट्रांसपोज करोगे तो ये एलिमेंट चेंज होगा बाकी तो सेम ही रहेगा अब अगर मैं बोलूं क्योंकि रियल नंबर है ना नाइन इज द रियल नंबर तो इसलिए ज्यादा परेशानी नहीं थी अपने को और सेवन भी रियल नंबर है तो एल वन वन का स्क्वायर कितना, तो कितना है सर नाइन है सर एल टू टू का स्क्वायर कितना है सर 74 है ये L1, वैल्यू कितना है एल टू वन एल वन वन की वैल्यू एल टू वन एल वन वन की वैल्यू कितना है माइनस फिफ्टीन आई ये तो मैं ना अगला पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि देखो एल टू वन एल वन वन की वैल्यू माइनस फिफ्टीन आई था ऐसे लिखे थे अभी अपन यस सर एल टू वन एल वन वन और एल वन वन का स्क्वायर कितना था एल वन वन का स्क्वायर नाइन था सर तो एल वन वन की वैल्यू और थ्री कर लो सर प्लस माइनस थ्री अरे थ्री एट्स ओके फिर माइनस थ्री करूंगा तो फिर वैल्यूज चेंज हो जाएगी आपके पास माइनस थ्री करूँगा फिर इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यूमेंटा चेंज हो जाएगा एल वन वन थ्री लिया तो एल टू वन कितना होगा अच्छा एल वन वन अगर थ्री लिया तो एल टू वन कितना होगा सर माइनस फाइव आई ये देखो एक ग्रुप हो गया दूसरा ग्रुप ये हो सकता है ऐसा नहीं कि ऐसा सर ऐसा कैसे एल वन वन माइनस थ्री लेते तो फिर क्या होता है एल टू वन सर एल टू वन फाइव आई होता है फिर अच्छा एल टू वन अगर ये है तो एल टू वन कॉन्जुगेट क्या होगा एल टू वन कॉन्जुगेट क्या होगा एल टू वन कॉन्जुगेट होगा फाइव आई यार इसमें क्या है एल टू वन कॉन्जुगेट फाइव आई होगा यहाँ पे एल टू वन कॉन्जुगेट कितना होगा माइनस फाइव आई होगा क्यों क्योंकि एल टू वन फाइव आई है इट्स ओके तो दो, दो, दो सेट बन गए एल वन वन थ्री लेना है कि माइनस थ्री लेना है ये ठीक है अभी देखना ध्यान से मैं बोल रहा था कि देखो आपके पास क्या हुआ एल टू वन एल टू वन का एल टू वन और एल टू वन कॉन्जुकेट प्लस एल टू टू का स्क्तो पता है कि एक होगा तो एक माइनस फाइव आई होगा तो फाइव आई इंटू माइनस फाइव आई कोई भी एक नंबर जो भी होगा ये फाइव तो माइनस फाइव ये माइनस फाइव आई तो ये फाइव प्लस एल टू टू का स्क्र सेवन अब माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव हो गया आई का स्क्वायर तो पच्चीस हो गया पच्चीस प्लस एल टू टू का स्क्वायर और ये सेवेंटी फोर तो एल टू टू का स्क्वायर सेवेंटी फोर में से पच्चीस गया पचहत्तर होता तो पचास बचता तो फोर्टी नाइन बच रहा है सर तो एल टू टू की वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस सेवन अंडर रूट फोर्टी नाइन सेवन लिख दो पॉजिटिव वैल्यू अगर सेलेक्ट कर रहे हो कोई इशू नहीं है पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो लिखा भी था कि पॉजिटिव वैल्यू हम सेलेक्ट वैल। कर लेते हैं जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है जो रियल वैल्यूज़ होती है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना इस ऑलवेज गुड कोई इशू नहीं है तो अब अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू अगर ले लूँ एल टू टू के यहाँ पर प्लस माइनस सेवन है तो अब अगर मैं बोलूं कि देखो मेरे को आप लिखना ही है कि आपके पास जो मैट्रिक्स था वो एल मैट्रिक्स क्या हुआ तो आप बोलोगे कि एल वन वन लोअर टेंगुलर है तो जीरो एल वन टू और एल टू टू पता एल वन वन की वैल्यू कितना हो गया बोले थ्री है ये जीरो सेवन था फोर्टी नाइन और एल वन टू कितना आया था सर एल वन टू की वैल्यू एल टू वन की वैल्यू कितना आया था एल टू वन माइनस फाइव से सर एल टू वन की वैल्यू माइनस फाइव आई एल टू वन सर ये माइनस फाइव आया था ये आपके पास एल था सर अब अगर मैं इसमें बोलूँ कि यार एल स्टार लगाओ तो एल स्टार क्या होगा कॉन्जुगेट हो जाएगा कॉन्जुगेट होने के बाद ट्रांसपोज हो जाएगा तो थ्री था ये फाइव आई है और ये जीरो और ये सेवन ठीक है ये। तो एल इंटू एल कॉन्जुगेट आपके पास जो है ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट क्या क्या था वैल्यू आपके पास थ्री जीरो माइनस फाइव आई और सेवन अगला नंबर कितना था अगला नंबर थ्री था फाइव आई था और कितना था जीरो था और सेवन था अगर मैं बोलूँ कि चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको दोस्ट ऑफ कॉलम करो नाइन फर्स्ट कॉलम करो सर फिफ्टीन आई बिल्कुल सही सेकेंड कॉलम करो आई और कॉलम करो और ट्वेंटी फोर कितना है? सर, ये, आ ये था आपके पास की डिकम्पोजिशन बोलना गया आपके पास

जो कोलेस्की आपके पास जो डिकम्पोजिशन उस बेस भी दो हजार तेईस में आया लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि कोलेस्की के डिकम्पोजिशन और एल यू डिकम्पोजिशन पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को दो नंबर मेरी जिंदगी में बहुत मैटर करते हैं समटाइम्स ठीक है तो कुछ बचना नहीं चाहिए तो ये मैं पूरा डिकम्पोजिशन वाला पार्ट भी खत्म हो गया एवरीथिंग इज क्लोज तो मैं एल यू डिकम्पोजिशन भी कवर कर दिया एवरीथिंग इज क्लोज यस यस एवरीथिंग इज क्लोज इसके बाद था मेरा आइगन वैल्यूज इसके बाद जो मेरा था पास था जो था मेरे पास आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज पढ़ाने का बहुत मन था अच्छा पीपीटी इतने में खत्म हो गई आइगन वैल्यूज जो था आपके पास आ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है दो तरीके से इंटरेस्टिंग है पहला तो ये है कि एग्जाम में बहुत पूछते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स और हम जिस तरीके से पढ़ के आ रहे हैं उस तरीके से हमको बहुत आना चाहिए सॉल्यूशन बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग हो सकता है आपको कितने अच्छे से पता हो कितने अच्छे से ना पता हो कि वेक्टर जो होता, वो है, होता है, हो सकता है वेक्टर बारे में क्या आपको आइगन वैल्यूज को आइगन वैल्यूज की स्टोरी नहीं पता होती जैसे अगर मैं बोल दू किसी को कि आपको ये बात पता है क्या बात पता है किसी को बोल दू कि यार आप आइगन वैल्यूज लिखने वाले लोग एक्स इक्वल टू लिखते हैं ऐसा लिखते है आपके पास ये आपके पास लिखते हैं ना एक्स इक्वल टू लेको बताओ कि अगर मेरे पास ए जो है क्वेश्चन ये है कि लेमडा आपके पास है और ये एक्स एक्स और वाई और लेमडा तो आपके पास वैल्यू स्केलर वैल्यू टू क्रॉस वन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर में कन्वर्ट हो जाए कैसे पॉसिबल है एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक नंबर में कन्वर्ट हो जाए लेकिन सभी लोग तो एक्स इक्वल टू लैमडा लिखते क्वेश्चन है वाई वाई एक्स इक्वल टू लैमडा हाउ वी कैन रिटर्न ए इक्वल टू लैमडा वाई इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इसका मतलब हुआ कि ये तो सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लीनियर

कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर वैल्यूज ओन वैल्यू इसके मैट्रिक्स की खुद की वैल्यू अपने हर मैट्रिक्स की अपनी एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको आइगन वैल्यूज बोलते तो आपको स्टोरी के बारे में आइडिया नहीं है आप ज़्यादा ज़्यादा क्या जानते हो जितने लोग भी अपना पढ़ते हैं वो क्या जानते हैं वो बस ये जानते हैं कि सर ए एक्स इक्वल टू लेमडाक्स लिखेंगे फिर फिर बोले सर अब अच्छा नहीं लग रहा है ए एक्स माइनस लेमडा एक्स कर दिए तो बोले सर अच्छा नहीं लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है सर नंबर को कैसे माइनस कर ले तो ही लिख लेते सर चलो भाई लिख लिए फिर बोले सर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस लेमडाई एक मैट्रिक्स हो जाएगा सर फिर अपन एक्स लिख लेंगे सर फिर फिर बोले सर ए माइनस लेमडाईट को जीरो बुट कर देते सर ये सर आइगन वैल्यूज निकालने के काम आता है तो सबको बस और सबको इन जनरली सबके पास थॉट बस इतना ही है कि सर ए माइनस लेमडाई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू तो जीरो करेंगे सर और देन आपके पास सर आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे सर ये ये आपके पास है एक माइंड में माइंड में बस इतनी ही बातें हमको ये मतलब ही नहीं कि एक्स हाउ इज इट पॉसिबल इससे हमारा कोई लेना देना नहीं हमको ये भी नहीं पता कि आइगन कहाँ से आया होगा जर्मन वर्ड बोल रहा हूँ आइगन इसका मतलब होता है आपके पास कि प्रॉपर वैल्यू ओन वैल्यू अगर आप आइगन जर्मन में ढूंढोगे तो ओन होता है डब्ल्यू एन ओन प्रॉपर वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इसलिए इस इक्वेशन इस को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बोलते हैं आगे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है तो मैं को हमेशा पसंद यही नहीं है कि मैं बोलूं कि एक्स इक्वल टू लेक्स एज्यूम यह मेरे को पसंद नहीं है कि सिर्फ आप एज्यूम कर लो और यस ये लिखना है पूरी दुनिया ये लिखती है हर मैथ्स की बुक में यही लिखा गया है जितने लोग बढ़ाते ये बस आइगन वैल्यूज उस निकालते उसके बाद आइगन वैरक्टर्स निकालना चालू करते हमारे पास इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जब हमसे कोई पूछने का तरीका चेंज करे तो हम हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकें तो स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स की स्टोरी क्या है और आइगन वैल्यूज पे ही रिलेटेड वेक्टर क्यों है अभी तक तो हम वेक्टर पढ़ के आ रहे हैं इतना सारा तो हम कॉलम वेक्टर पढ़ के आ रहे हैं तो आइगन वेक्टर्स ऐसा कौन सा स्पेशल वेक्टर आ गया जो आइगन वैल्यू पर डिपेंडेंट है तो आइगन वैल्यूज पर डिपेंडेंट आइगन वैक्टर्स है कि आइगन वैक्टर्स पर डिपेंडेंट आइगन वैल्यूज है अगर आप आइगन वैक्टर्स एक स्पेशल आपके पास आइगन वैल्यूज अगर एक स्पेशल वैल्यूज है तो उस समय फिर उस वेक्टर को भी आइगन वेक्टर्स क्यों बोला गया

लेकिन जब कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टोरी मैटर करती है और पढ़ने में भी मजा आता है अब ए माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो लिखे पड़े ए माइनस लेमडा का डिटर्मिनेट जीरो फिर खूब निकाल रहे पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लिए दस क्वेश्चन सोल्व कर लिए और व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे को बहुत आता है अरे बहुत नहीं आता भाई जब कोई किसी को सोचेगा ना कि आपसे नहीं बनेगा स्टेटमेंट दूंगा मैं चार तो नहीं बनेगा आपसे क्योंकि आपको स्टोरी का आइडिया नहीं है कि क्यों आप पढ़ रहे हो कहाँ से आ गया आइगन का मतलब क्या होता है अभी तक तो अच्छा वाला पढ़ रहे थे सॉल्यूशन अब आइगन वेक्टर्स कहां से आ गया अभी तक नॉर्मल वेक्टर को आइगन वेक्टर्स क्यों नहीं बोल रहे थे वाई स्पेशल वेक्टर इज आइगन वेक्टर तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक नंबर एक एक मैट्रिक्स एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है इसका इसमें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यस yes, तो आइगन वैल्यूज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है मैट्रिक्स तो एक नंबर पे हो रहा वो है वो नंबर आइगन वैल्यूज है इज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बट ठीक है इट्स ओके तो आज की क्लास एंड करते हैं अपन कल मिलेंगे स्टोरी ऑफ आइगन वैल्यूज़ पे बारे में बात करने के लिए ठीक है तो मेरा कंप्लीट हुआ इतना अब लास्ट टॉपिक के साथ टू वर्ड्स हो रहा हूँ मैं आइगन वैल्यूज और आइगन वैक्टर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तो उस तरीके से अपन डील तो करेंगे मज़ेदार डिस्कशन करेंगे तब जाके मेरा लीनियर जबरा कंप्लीट होगा और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा कि हमको बहुत ज़्यादा आइडिया है करके उसके बाद भी आप क्वेश्चन के लिए मत ढूंढो कि और क्या क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो तो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाई रहता दो सौ ग्यारह दो सौ इस पर पहुंच गया आराम से मेरे को लगता है थ्री हंड्रेड तक तो पहुंच ही जाएंगे अपन क्वेश्चन में थ्री हंड्रेड पहुंच गए वो भी सॉल्ट एग्जाम्पल के बिना ना सोल्ड एग्जाम्पल इंक्लूड करोगे तो लगभग साढ़े चार सौ पांच सौ क्वेश्चन हो गए उसके बाद भी आप पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं ठीक है नहीं डीपीपी मैं पेड बेच वाले को दे रहा हूं अभी आपको डीपीपी की जरूरत नहीं है पागल हो जाओगे आप अपना दूसरा सवेय पढ़ते रहो

उस टॉपिक को मजेदार बनाने की कोशिश करना चाहिए बट मैं आपको स्योर करता हूं कि सभी लोग एक्स इक्वल टू लैमडेक्स लिखते हैं उसकी स्टोरी के पीछे नहीं जाते मेरे को भी टाइम लगा उसकी स्टोरी क्रिएट करने में सोचने में बनाने में कनेक्ट करने में यूट्यूब में अवेलेबल नहीं उसकी स्टोरी उस तरीके से ठीक है उतने अच्छे तरीके से कुछ फॉरेनर लोग कुछ कुछ बातें की है लेकिन मैं स्टोरी अच्छा कनेक्ट करूंगा मजेदार होगा अच्छा लगेगा आपको चलो आज की क्लास एंड करते हैं कल मिलते हैं कल ट्राई करता हूं कि कल ही क्लास रख लेता हूं है ना आइगन वैलीस और आइगन वेक्टर्स की चलो ओके थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल गुड नाइट टेक केयर बाय बाय जय हिंद